आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। विचार चर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखने और सुनने में बड़ा सरल सा लगने वाला ये विषय कितना कठिन होगा विश्लेषण करने में और कितना व्यापक होगा और कितना सूक्ष्म होगा, ये हमें अगले कुछ पलों में पता लगेगा, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी बात है जिसके विषय में हम अक्सर प्रश्न नहीं करते, सवाल नहीं करते, संदेह नहीं करते और हम मान लेते हैं। ज्ञान का ये एक ऐसा पक्ष है जो मानने के साथ संबंधित है, लेकिन असली जो विषय है वो है ज्ञान को जानने का। ज्ञान को जब तक आप जानेंगे नहीं तो उसमें अग्रसरता नहीं आती। आप केवल सूचना इकट्ठी कर सकते हैं यदि आप मानते हैं। तो इसलिए मानने और जानने के बीच में जब इस विषय के ऊपर हम विचार करने में अग्रसर होंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कितनी सारी कठिनाइयां हम लोगों के सामने उपस्थित होंगी। आज के दो मुख्य वक्ता, आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, डॉक्टर शिवानी शर्मा जो चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दूसरी तरफ जो इस सारे सत्र के ऊपर अध्यक्षीय भाषण करेंगे, प्रेसिडेंशियल एड्रेस देंगे, प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी जो दर्शन विभाग में कार्यरत रहे हैं, वहां से सेवानिवृत्त अभी हुए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद जो है वो हम लोग प्रश्नोत्तर लेंगे, जिज्ञासाएं लेंगे और जो भी टीका टिप्पणियां होंगी वो उसमें लेंगे। विषय की व्यापकता को ध्यान में रख करके ये मैं बातें कह रहा हूँ आपसे कि ये विषय को बहुत सावधानी से हमें हैंडल करना होगा, क्योंकि ज्ञान का सारा जो पक्ष है वो भाषा पर आधारित है। तो इसलिए भाषा की सीमाओं को जानते हुए और ज्ञान की असीमता को जानते हुए दोनों के संबंधों को हम विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व कि मैं अपनी बात आरंभ करूं, मैं चाहूंगा कि क्योंकि इस सारे विषय के साथ जुड़े हुए कई तरह के अन्य अन्य विषयों से लोग हैं, इसलिए विषय की गंभीरता को और उसके उलझनों को स्पष्ट करने के लिए मैं दो पंक्तियों की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। तीन ज्ञानी एक बार शाम के समय सैर करने जा रहे थे और सैर करते हुए जब वो एक मंदिर के पास से गुजरे तो उसमें से एक ज्ञानी ने कहा कि देखो मंदिर की ध्वजा हवा में फड़फड़ा रही है। शब्दों की और वाक्यों की ओर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हम आगे की फ्लाइट लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम विचार से बुद्धि की सीमा को छूने की कोशिश करेंगे ताकि ज्ञान के विषय हमें स्पष्ट हो। तो पहले ज्ञानी ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी, अपने ज्ञान की बात कही, वो कही कि मंदिर की जो ध्वजा है वो हवा में फड़फड़ा रही है। लेकिन तुरंत ही दूसरे ज्ञानी ने कहा कि ध्वजा तो केवल नजर आ रही है, फड़फड़ाहट तो हवा में है। दूसरे ने क्या कहा कि ध्वजा तो केवल नजर आ रही है, फड़फड़ाहट तो हवा में है। लेकिन तीसरे ज्ञानी ने कहा, क्योंकि जहां ज्ञानी इकट्ठे होंगे एक दूसरे के साथ सहमति उनकी मुश्किल ही हुए, तो तीसरे ज्ञानी ने कहा कि ध्वजा नजर आ रही है, हवा महसूस हो रही है, पर फड़फड़ाहट जो है वो तो मन में हो रही है। अब आप इन तीनों में से निश्चय कर लीजिए, यदि आप स्वयं ज्ञानी समझते हैं, अपने ज्ञान के विषय में आपकी कोई मान्यता है, तो इन तीनों में से कौन सा ज्ञान सही है, इस विषय में आप अपना निर्णय पहले स्वयं कर लें। और इस कहानी को आप ध्यान में रखें, बीच में जहां मुझे कोई मौका लगेगा मैं इस तरह के लिटरेचर के माध्यम से इन कथाओं के माध्यम से ज्ञान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा। मित्रों, उसी कहानी के ये अग्रिम भाग को एक बार फिर देखिए। मैं बहुत संक्षेप में दो तीन बातें आपके साथ करना चाहूंगा और बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि प्रश्नोत्तर काल में हम उन प्रश्नों को डील कर सकें। जो आप ये सामने अपनी स्लाइड्स देख रहे हैं, इसमें अक्सर दो लोगों के झगड़े का कारण यही होता है, चाहे वो पॉलिटिकल झगड़े हैं, चाहे वो सोशल झगड़े हैं, चाहे वो घरों के फैमिलियल झगड़े हैं,
उसको आप देख सकते हैं कि आपकी परसेप्शन क्या है। और संस्कृत में इसको कहा जाता है कि जब अंध गज न्याय के समान उसको कहा जाता है कि जिस प्रकार 10 अंधे जो हैं हाथी को जब देखते हैं छू करके, तो कोई उसे पूंछ को छूता है, तो कोई उसके पैरों को छूता है, टांगों को छूता है, कोई उसकी सूंड को छूता है, और सभी उसको अपनी अपनी दृष्टि से व्याख्यायित कर देते हैं कि ये रस्सी जैसा है, ये खंभे जैसा है, और कहीं पर भी वो पूरा तालमेल नहीं बैठ पाता। तो ये जो एक स्लाइड आप देख रहे हैं, इसमें आप इसका एक पक्ष, ज्ञान की समस्याओं का एक पक्ष आप देख रहे हैं। दूसरा पक्ष जो संस्कृत में अक्सर, जिसके लिए वो बार बार आपको सावधान करते हैं, वो श्लोक में बड़े भर्तृहरि ने बड़े स्पष्ट रूप में कहा है कि अज्ञः सुखम आराध्यः, जो नहीं जानता उसको तो प्रसन्न करना बड़ा आसान है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः, जो एक्सपर्ट है नॉलेज के क्षेत्र में, जो किसी सिस्टम में एक्सपर्ट है, उसको और भी अधिक आप आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन ये लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि ज्ञान लव शेष दुर्विदग्धं ब्रह्मा अपि नरम तम न रंजयति, ब्रह्मा भी ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकता जो ज्ञान लव से दुर्विदग्ध हो गया है। हमारे जैसे लोग जो एक फॉल्स सेंस ऑफ नॉलेज से भरे हुए हैं, और पर्टिकुलरली जब इस वेबिनार्स के दौरान हम लोगों ने सारा का सारा ज्ञान जो है वो अपने मोबाइल के माध्यम से पकड़ लिया है और हमें लगता है कि हमें ज्ञान हो गया है, तो ऐसे हमारे जैसे लोग कैसे उनमें विनम्रता आए और कैसे हम उस ज्ञान की विशेषज्ञता में अग्रसर हों, ये एक बात को ध्यान में रखना होगा। तो ये 2-3 पक्ष मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, और इसी के साथ मैंने आप लोगों को परिचय करवा दिया है। आज के जो मेन मुख्य वक्ता रहेंगी, रिसोर्स पर्सन रहेंगी, डॉक्टर शिवानी शर्मा, जो चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी पंजाब यूनिवर्सिटी से। उन्होंने बहुत सारा काम किया है, PhDs करवाए हैं और इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स किए हैं, पेपर्स पब्लिश हुए हैं, और भी उनका जो टीचिंग कैरियर रहा है बहुत सक्सेसफुल रहा है, मैं उसमें ज़्यादा समय नहीं ले रहा। इसके साथ प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, जो चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में रहे हैं, उनका दर्शन के दोनों पक्षों पर समान अधिकार है, भारतीय परंपरा के वो निष्णात हैं, और साथ ही साथ उन्होंने UGC की कई फेलोशिप्स ली हैं, ICPR से वो जुड़े रहे हैं, और ICPR का जो रिसर्च सेंटर रहा है वो कितने ही वर्षों उसको चलाते रहे हैं, और तंत्र और अन्य प्रकार के शास्त्रों में उनकी विशेषज्ञता हासिल है, तो उनका दिशा निर्देशन हमें आज सुनने को देखने को मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनका वाणी से, वाणी मात्र से स्वागत कर रहा हूँ, और मुझे लगता है वाणी से ही आजकल स्वागत करना जो है उसमें आपको सत्यता का बोध हो सकता है। 2-3 बातें और मैं लूंगा, 2-3 मिनट और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद डॉक्टर शिवानी शर्मा को आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे साथ अपनी बातचीत आरंभ करें। क्योंकि भाषा की, ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से सीधी भाषा से जुड़ी हुई वो बात है, और लैंग्वेज जो है उसमें सामान्य रूप से जब हम समझते हैं तो क्या समझते हैं, मीन्स ऑफ कोडिंग द इंफॉर्मेशन। वो चाहे पाणिनि रहे हों, चाहे वो कंप्यूटर के प्रोग्रामर्स रहे हों, सारे के सारे जो हैं सहस्र शताब्दियों में यही चला आ रहा है कि कोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन भाषा में हो रहा है। दूसरा जो है कि इंफॉर्मेशन कोडिंग की जब हम बात करते हैं भाषा के इस पक्ष में, तो हाउ मच, वेयर एंड हाउ, ये 3 पक्ष उसके आ जाते हैं कि कितनी आपने सूचना, पाणिनि के सूत्र जितने भी हैं, या हमारे न्याय सूत्र हैं, या योग सूत्र हैं, या जो कुछ भी है, और प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेज है उसमें किस तरह से, हाउ मच इंफॉर्मेशन, वेयर एंड हाउ, ये वाला एक मामला रहता है। और तीसरा जो पक्ष रहता है ब्रेविटी का, टू अचीव जनरलाइजेशन, की सामान्यता को भी हमने हासिल करना होता है, ये इस सबका लक्ष्य होता है। तो ज्ञान के संदर्भ में जब हम भाषा के माध्यम से उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो इन चीजों को आप, इन 3 पक्षों को ध्यान में रखें। मैं आप लोगों से बहुत कुछ अपेक्षा कर रहा हूँ, कि बहुत सारी सूचनाएं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल दावा नहीं करता कि ये कोई ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये सूचनाएं अगर ध्यान में रखेंगे तो हमें विद्वान वक्ताओं की जो बातचीत है वो समझने में और सीखने में आसानी होगी। एक चीज और मैं आप लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूँ, वो ये कि हर व्यक्ति
जो ज्ञान का दावा करता है वो तीन पक्षों से करता है, डूअर, इंजॉयर और नोअर के पक्ष से। आपका ज्ञान क्या डूअर के रूप में है, कर्ता के रूप में है, आप भोक्ता के रूप में आपका ज्ञान क्या है और ज्ञाता के रूप में आपका ज्ञान क्या है? मैं समझता हूँ इसके ऊपर टिप्पणी अवश्य की जानी चाहिए और डॉक्टर राजेंद्र जी से मैं अवश्य निवेदन करूंगा कि इन पक्षों से हमारे साथ भारतीय परंपरा को अवश्य स्पष्ट करें। अब ये जो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ओर देख रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा देख लें कि संस्कृत की जो भाषा है, भाषाओं भाषाओं में जो अंतर होता है, तो संस्कृत में आप देखें तो सारे ज्ञान की सीमा कहाँ पर आ जाती है? अहम से शुरू होता है और अस्मि के बीच में आ जाता है। आप इस अहम के बाद जो कुछ दुनिया भर का जितने भी ज्ञान है, जितनी भी सूचनाएं हैं, सब इसमें डाल सकते हैं और अस्मि पे वो जाके समाप्त होगा। तो यानी कि मेरा मेरा और मेरा अस्तित्व, इसके बीच में सारे ज्ञान की परंपरा है। ये एक पक्ष है, ये भारतीय पक्ष है, ये संस्कृत की परंपरा का पक्ष है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। दूसरी तरफ अंग्रेजी का पक्ष है, जहां पर मैं और मेरा अस्तित्व पहले आते हैं और बाकी शेष दुनिया का सारा ज्ञान, सारी सूचनाएं उसके बाद आती हैं। तो वहां पर ये विभाजन अलग तरीके से है और यहाँ पर समष्टि रूप में आप देख पा रहे हैं कि एक ही जगह पर उसका टोटल समन्वय हो रहा है। तो इसलिए इन समस्याओं को हम ध्यान में रखें। चार प्रश्न मैंने यहाँ दे दिए हैं, लेकिन मेरी संतुष्टि इन चार प्रश्नों से नहीं होगी कि ज्ञान क्या है। मैं तो ये सरल सा प्रश्न जानने से आरंभ करना चाहूंगा, ज्ञान की संभावना भी है या नहीं है, या हम केवल एक मान रहे हैं कि हाँ मुझे ज्ञान हो गया। ज्ञान प्राप्त कैसे होता है और मानव ज्ञान की सीमाएं क्या है, ये कुछ एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। और प्रश्न तो मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी और आगे अग्रसर नहीं हूंगा। मुख्य वक्ता के वक्तव्य के बाद जब प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स आएंगे तो मैं लगभग आपके साथ 20-22 प्रश्न और आपके साथ साझे करूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करने से पूर्व मैं स्वागत करना चाहूंगा प्रोफेसर डॉक्टर आभा खेत्रपाल जी का, जो प्रिंसिपल हैं डीएवी गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर से, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनका स्वागत करता हूँ, हम सभी की ओर से आपका स्वागत है मैम। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर शिवानी शर्मा जी को कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ शेयर करें, साझा करें। और मैं ये स्लाइड्स हटा रहा हूँ। जी मैम, शिवानी जी जी, हाँ। सभी को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम। लेट मी बिगिन बाय थैंकिंग द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस वेबिनार एंड द अथॉरिटीज ऑफ एसटी कॉलेज अंबाला कैंट फॉर प्रोवाइडिंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी हियर विद यू एंड शेयर माय व्यूज on the title that has been given to me, The Problem of Knowledge. Just to strike the right note in the very beginning, certainly the title in itself suggests that the problem of knowledge means that in order to be knowledge, any piece of information must meet certain conditions, meet certain criteria in order to be knowledge. So the two terms in the title, that is problem of knowledge, we must first analyze and bifurcate the term problem and the concept of knowledge. When we say that problem of knowledge, how do we split the word problem? What do we actually mean by the concept of problem as such? That is what I wish to address at the very first moment. And in the second part of my lecture, I will also try to deal with the concept of knowledge, which is the main area. But primarily, when we say that the problem, the concept of problem of knowledge, the problem may be interpreted as, let's say, the nature of knowledge, the criteria of knowledge, conditions of knowledge, features of knowledge, or characteristics we may call, characteristics of knowledge, and also functions of knowledge, and at the same time, sources of knowledge. So if we bifurcate the concept of problems,
we have these following lists. So I'll be picking up addressing these issues while I address the second part, the concept of knowledge. Now, if we see, I have decided to pick up the East and the West traditions. Primarily, I'll be starting from the West, as not any particular preference I have for West or East, but since Western philosophy has been a very rationally rational, they have given a rational discourse, so it becomes little easier for students of philosophy to have a grip and a good grasp on the concept of knowledge when we begin from the history of philosophy from the Greek standpoint. So when we look at the isms of, or let's say theories of knowledge in the West, we fall back upon primarily rationalism, first one, empiricism as another one. So rationalism is a theory which indicates that reason has to be the source of knowledge. Reason is the ultimate source whereby we can depend upon our rationality and thereby the knowledge generating out of it. Not only this, empiricism would claim that sense experience is the basis of knowledge. To be is to be perceived, esse est percipi, when we see Berkeley. So he claims that whatever we see, empirical data, sense data, is the ultimate source of knowledge. Now these, they are two, let's say, foundations. They are two parameters to have knowledge, to have an understanding what knowledge is all about. But if we go back to the Greek philosophy, since it is the root of all modern philosophy, so we find the external world, or the nature of the external world, or the essence of the external world has been the concern of Greek thinkers as to what is the stuff out of which external world is made of. That was the fundamental concern of Greek thinkers. How do they go about it? They think that this external world, finally, of course, there is a need to come back to the man, the problem of mankind or man as such. But in order to address this, these two principles, the external world and the man or the human being himself or herself and their relation with each other. So these two fundamental propositions I hold by, that the Greeks wished to see the external world and man on different levels. While addressing to the problem of external world, what they came up with, the problem of substance. Ki duniya bani kis cheez se hai? External world ka nature kya hai? Aur wo uska essence kya hai? Kis cheez se bana hai? To what they call, what is the stuff with which this universe is made of? Ab us cheez ko leke, we have monists, we have dualists, we have pluralists, jo ye mante hain. Ek hi substance hai. दो सब्सटेंस हैं जिससे ये दुनिया बनी है, या बहुत सारे सब्सटेंस हैं, एटम्स हैं, तो एटमिस्ट कहेंगे कि प्लूरलिज्म है जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस यूनिवर्स का, उसके कई कई एटम्स हैं, मिलकर बनाते हैं. बट दोस हु आर मोनिस्ट्स, दे विल से नहीं, देयर इज ओनली वन सब्सटेंस आउट ऑफ व्हिच दिस एंटायर यूनिवर्स हैज बीन क्रिएटेड. व्हाट इज दैट? हेल्स ने कहा वाटर है, किसी ने कहा फायर है, किसी ने कहा है, किसी ने कहा इनफाइनाइट है. आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो इनफाइनाइट है, बाउंडलेस है. किसी चीज को आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते. इट इज द बाउंडलेस लाइक अ स्काई. नॉट ओनली दिस, देर आर थिंकर्स हु हेल्ड कि नंबर इज द अल्टीमेट सब्सटेंस. व्हेन यू कैन काउंट, सो नेचर जो बाहर की एक्सटर्नल वर्ल्ड है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नंबर. सो विद दीज sub definitions of substance out of which they believe that universe is made of, they believed that in order to address the external world, there are only two fundamental questions which we need to address. One is the basic stuff out of which the universe is made of, and secondly,
हाउ द स्टफ चेंजेस इन टू एन अदर, दैट मीन्स कि चेंज भी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दुनिया में चेंज भी होता है. तो ये तो हो गया एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर उनकी एक जिज्ञासा, बेसिक जिज्ञासा जिसके साथ वो चले. अब वो मैन के ऊपर आते हैं कि मैन इस एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ जुड़ा कैसे हुआ है. तो वो कहते हैं कि इस एक्सटर्नल वर्ल्ड को मैन जो है जानने का प्रयास करता है. He tries to achieve knowledge about this external world through his own understanding. अब ये understanding किस किस level पर है वो कहता है, या आपकी ज्ञान के स्तर की चीजें या फिर आपके behavior पर होती है. तो because this webinar is dedicated to the concept of knowledge, so we will skip the conduct part which will be implied in ethics or morality. तो हम उस पर नहीं जाएंगे. विल फोकस ओनली ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, हाउ अ ग्रीक थिंकर्स केम अप विद द आइडिया ऑफ नॉलेज, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉलेज व्हाट दे हैड इन माइंड. सो मूविंग ऑन, जब नॉलेज को उन्होंने डिफाइन करना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले ये ढूंढने की कोशिश की कि जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो हमारा अर्थ क्या है नॉलेज शब्द से. उन्होंने क्या कहा कि क्या नॉलेज ट्रुथ है, इज नॉलेज ट्रुथ. तो उनका जवाब आया कि हाँ, नॉलेज जो है वो ट्रुथ की खोज है, ट्रुथ को ढूंढने का एक प्रयास है. तो वो कहते हैं अगर ट्रुथ को ढूंढने का प्रयास है तो उसकी एक मेथडोलॉजी होगी, उसका कोई एक तरीका होगा, उस तक पहुंचने का कोई एक मार्ग भी होगा. जैसे हम बुद्धिज्म में आर्य सत्यों की बात करते तो उसी तरह से ग्रीक थिंकर्स ने भी माना कि हाँ, देयर इज अ वे टू इट. एंड व्हाट इज द वे? रीजन और रैशनल थ्योरी ऑफ नॉलेज इज द वे टू रीच इट, जिसको उन्होंने लॉजिक कहा. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि रीजन वर्ड को वो लॉजिक से ही समझने का प्रयास कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली. हम लोगों ने उसको लॉजिक को एक डिफरेंट शेड में मॉडर्न फिलोसफी में आके हमने लेना शुरू किया, लेकिन वो शुरुआत उसकी जो एपिस्टेमोलॉजी है वो लॉजिक से ही शुरू हो रहा है. अब एक और सेक्ट इससे उभर कर आता है क्योंकि देवर फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन एज सच. लेकिन एक और जो ग्रुप था सोफिस्ट का, जो ये मानता था कि इंद्रिय गोचर ज्ञान ही अल्टीमेट, जिसको हम प्रोटागोरस पे जाते हैं तो वो ये बोलते हैं मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स. अगर मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स तो मेरे लिए मेरा ज्ञान, आपके लिए आपका ज्ञान. हम लोग कभी भी चार लोग बैठ के कभी भी एक निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पाएंगे अगर हम प्रोटागोरस या सोफिस्ट की इस कथन को हम सत्य मान लें कि जो आपको ठीक लगे वो आपके लिए ठीक, जो मुझे लगे वो मेरे लिए ठीक. बट ये ऐसी बात नहीं है. इसको सोक्रेटिस से लेके प्लेटो, एरिस्टोटल सभी ने क्रिटिसाइज तो क्या किया, उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि अगर हम आपकी बात मान भी लेते तब भी बहुत सी दिक्कतें आएंगी, जिसको उन्होंने बाद में ये बताया कि ये सही नहीं है. तो सोफिस्ट का ये मानना था कि जहां अभी डॉक्टर आशुतोष ये बात कर रहे थे कि संभावना भी है, स्केप्टिसिज्म में ही पड़ जाएंगे, नहीं तो ज्ञान की संभावना हो सकती भी है या नहीं है. तो ग्रीक थिंकर्स ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, संभावना है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं. लेकिन सोफिस्ट का ये मानना है रादर देन डिमॉन्स्ट्रेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ, their aim is to focus is rather to show कि दो opposite propositions बिल्कुल सच हो सकती हैं अलग अलग conditions. उनका aim ये है, their aim is to pursue man to opt any one of the opposite propositions. Now this is with this or with such kind of an attitude you cannot venture out into the domain of knowledge at all. इसलिए सोक्रेटिस सबसे पहले सीन पर आते हैं और वो इनको कहते हैं कि ये आपका स्केप्टिसिज्म नहीं ठीक है. क्यों? क्योंकि इसमें आप किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे. सोक्रेटिस, जैसे हम जानते ही हैं, सोक्रेटिस इज वन ऑफ नॉलेज इज वर्च्यू, नॉलेज इज द हाईएस्ट गुड. जैसे हमने शुरू में कहा कि ग्रीक थिंकर्स का, ये ग्रीक थिंकर्स तो एक सिर्फ बाउंड्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, बट कहने को बेस्ट ऑफ द माइंड्स हैव अकर्ड एवरीवेयर अक्रॉस द ज्योग्राफिकल कंडीशंस. तो मौलिक प्रश्न जो ह्यूमैनिटी का रहा है वो यही रहा है, व्हाट इज द हाईएस्ट गुड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ.
इसी चीज को एड्रेस करते हुए सोक्रेटिस ने ये कहा कि द एम ऑफ लाइफ इज टू हैव नॉलेज, नॉलेज इज व्हाई, बिकॉज नॉलेज इज द हाईएस्ट गुड एंड नॉलेज इज वर्च्यू. तो वर्च्यू को उसने एस्टेब्लिश कैसे किया, जैसे हम जानते हैं कि नॉलेज को लेकर सोक्रेटिस ने कभी भी कोई इम्पोजिशन नहीं की है, रादर ही हैज इंगेज्ड पीपल इनटू डायलॉग. अब वो कहते हैं कि डायलॉग के लिए एक कहानी छोटी सी उसमें सुनाई जाती है कि उनका एक कोई यंग लड़का था, यूथिड, उनको बोलना मेरा गलत भी हो सकता है, आई एम श्योर, यूथिडोमस करके एक नाम आता है, उभरता है हिस्ट्री में, जो एक पॉलिटिशियन बनना चाहता है. तो सोक्रेटिस उसको अब ये कहता है कि तुम पॉलिटिशियन जा रहे हो, लेकिन क्या तुम जस्ट आदमी हो, क्योंकि पॉलिटिक्स में जस्ट व्यक्ति को ही जाना चाहिए. तो वो जो यूथिडेमस है वो बोलता है कि मैं सिर्फ जस्ट, मेरे को सिर्फ जस्टिस का ही नहीं पता, मुझे इनजस्टिस भी पता है, दोनों दोनों चीजें पता है. तो वो कहता है अच्छा चलो बताना शुरू करो मुझे कि जस्टिस, दो कॉलम्स बनाओ, एक जस्ट का एक इनजस्ट का. और कुछ एक वैल्यूज वर्च्यूज और वाइसेस का नाम लेता है सोक्रेटिस, जैसे डिसलॉयल्टी, जैसे चीटिंग, जैसे फॉल्सहुड, और जैसे करप्शन. अब इन सब को वो इनजस्टिस की लिस्ट में लिखना शुरू करता है. अब इन्हीं के केसेस को वो कंटेक्स्ट में भी सोक्रेटिस प्रूव करके दिखाता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर कोई स्लेवरी, जैसे स्लेवरी एक इशू है ग्रीक फिलोसफी, तो वो कहता है कि स्लेवरी इनजस्टिस एक्ट तुमने उसके इनजस्टिस के कॉलम में लिख तो दिया, लेकिन मान लो कोई राजा है और उसने किसी दूसरे देश पर आक्रमण करके वहां के लोगों को बंदी बना लिया, तो बंदी बना के वो क्या स्लेवरी नहीं करवा सकता? तो वो जो यूथिडेमस है वो बोलता है कि हाँ बना तो सकता है, क्योंकि उसने जीता है उनको, तो वो स्लेव. अब देखिए कि यहाँ पर उन्होंने, सोक्रेटिस ने किस तरह के ज्ञान को जेनरेट किया उसके मन में, जो एक पॉलिटिशियन बनना चाह रहा है, कि देखिए कि जो बातें हम एक पक्ष में देखते हैं वो दूसरे पक्ष में आपको सही लगने लगती है. तो ये लिमिटेशन है नॉलेज की, कि कहीं ना कहीं परिस्थिति में उपजा हुआ जो ज्ञान है वो हमारे को हर परिस्थिति में उसके पर्सपेक्टिव्स को देखना हमें आना चाहिए. इसी तरह से वो दूसरा एग्जाम्पल देता है कि चीटिंग, कि आप एक लेवल पर कुछ चीट करते हैं जो इनजस्टिस के ही डोमेन में आती है, लेकिन वही एक फादर जब अपने बच्चे को मेडिसिन मक्खन में लपेट के, मिठाई में लपेट के जब हम अपने पेट्स को खिलाते हैं, तो क्या वो चीटिंग मानी जाएगी? पर नहीं, क्यों? क्योंकि वो इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड और फॉर द पेट. सो चीजों की रिलेटिविटी को, चीजों की रिलेटिविटी के साथ साथ जो हमारे नोशंस बनते हैं उनको चैलेंज करते हुए सोक्रेटिस का एक ये काम माना गया है. सोक्रेटिस इज नोन फॉर दिस टैक्टिक्स, कि जहां पर आप चीजों को बिल्कुल इम्पोज नहीं करते हैं, आप चीजों को उभर के आने देते हैं. तो नॉलेज का इस पक्ष को लेकर सोक्रेटिस के प्रति ग्रीक परंपरा जो है बहुत आभारी रही है, ग्रैटिट्यूड में रही है. और ये माना गया है कि सोक्रेटिक मेथड जो है एक कन्वर्सेशनलिस्ट मेथड है, लेकिन स्केप्टिसिज्म से ही शुरू होता, क्यों? क्योंकि उसकी लड़ाई थी सोफिस्ट्स के अगेंस्ट, जो खुद ही स्केप्टिसिज्म को प्रोपाउंड कर रहे थे. तो स्केप्टिकल के होते हुए वो कन्वर्सेशन में आता था, लाता था लोगों को, फिर कॉन्सेप्ट जाता था कि अच्छा अपना कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस और इनजस्टिस डिफाइन कर लो. फिर केवल यही नहीं, वो इम्पिरिकल इंडक्शंस लेकर आता था, एग्जांपल्स लेकर आता, और फिर डिड्यूस भी करता. सोक्रेटिक मेथड ऑफ नॉलेज जो है वो इन पांच चीजों पर आधारित है: स्केप्टिसिज्म, कन्वर्सेशन, कंसेप्ट ओरिएंटेशन, इम्पिरिकल इंडक्शंस. एक एक एग्जाम्पल देना कि ए कौआ है वो काला है, बी भी कौआ काला है, सी भी काला है, डी भी काला है, नंबर ऑफ क्रोज, ऑल क्रोज आर ब्लैक. और फिर अगर ऐसा है कि सारे कौए काले हैं तो ये भी एक कौआ है, तो इसका मतलब ये भी काला है. सो इंडक्शन एंड डिडक्शन बोथ आर एम्बेडेड इन सोक्रेटिक मेथड. नाउ कम्स प्लेटो. प्लेटो का जो सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है डायलेक्टिक मेथड. उसने कहा, अब ये डायलेक्टिक मेथड अगर हम हेगल में देखते हैं तो वो चला जाता है थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस में, लेकिन प्लेटो के कंटेक्स्ट में केवल ये बात कहां तक रहती है, कंसेप्चुअल ओरिएंटेशन, कि कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझना. और एक तरह से वो ये कहना चाहेगा कि यूनिवर्सल जो है
कॉन्सेप्ट ऑफ जो यूनिवर्सल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन पर हम बात करते हैं. नॉलेज कैन नेवर बी एक्सीडेंटल और जिसे हम कहेंगे कंटेक्सचुअल. नॉलेज का कंटेक्स्ट हमेशा यूनिवर्सल ही रहेगा. जो नॉलेज आपके पास नॉलेज के रूप में है वो मेरे ऊपर भी उसी तरह से अप्लाई होगी, जैसे हम एनालिटिकल ट्रूथ्स की आगे चल के अभी एरिस्टोटल के कंटेक्स्ट में बात करें. तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लेटो ने भी सोफिस्ट्स को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी, अगर हम ये बात मान लें दैट सेंस परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, तो वहां पर भी हमारे को ये दिक्कत आएगी कि परसेप्शंस चेंज. व्हाई? बिकॉज परसेप्शंस आर मोस्ट ऑफ द टाइम बेस्ड ऑन फीलिंग्स, आर बेस्ड ऑन समटाइम्स इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ सोर्स विच इज नॉट, आंख है, आंख में चश्मा मोटा नंबर का लगा हुआ और आपकी अगर चश्मा नहीं है तो परसेप्शन फॉल्टी हो जाएगी. तो ऐसे केसेस में परसेप्शन पर या अपियरेंसेस के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते नॉलेज के कंटेक्स्ट में. सो इट इज नॉट अ जेन्युइन नॉलेज. नॉलेज दैट इज जेनरेट सेंस परसेप्शन कैन नेवर बी जेन्युइन नॉलेज फॉर प्लेटो. तो वो कहते हैं कि फिर ये जेन्युइन नॉलेज है क्या? तो वो कहते हैं जेन्युइन नॉलेज इज बेस्ड ऑन रीजन एंड इट कैन ऑलवेज ऑथेंटिकेट इटसेल्फ. उसका जो ज्ञान है वो अपने आप को हमेशा जस्टिफाई कर सकता है, ऑथेंटिकेट कर सकता है. लेकिन जो सेंस परसेप्शन का ज्ञान है वो अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता. कैसे? कि मान लीजिए कि मेरे को एक रेज आया, गुस्सा आया और मैंने कुछ बोल दिया. अब कोई भी ऐसा ज्ञान जो मेरे आउट ऑफ सेंस सेंस ऑर्गन्स ने या जिसको हम जस्टिफाई ना कर सके वो अप्लाई नहीं हो सकता यूनिवर्सली. लेकिन ये ज्ञान जो है जो रैशनल रीजन से निकलेगा वो अपने आप को हमेशा ऑथेंटिकेट कर सकता है, वो अप्लाई किया जा सकता है हर एक के ऊपर. एंड फॉर फॉर दिस रीजन प्लेटो कहता है कि जस्ट व्यक्ति को हम बाद में डिफाइन करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट पर जाएंगे. नॉलेज ऑलवेज टॉक्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स. इसलिए फिलोसफी का जो मेन फोकस है वो कंसेप्चुअल नॉलेज पे है, कंसेप्चुअल एनालिसिस पे है. और फिर वो ये भी कहता है कि ये जो कंसेप्चुअल एनालिसिस है ये नॉलेज जो है, कंसेप्चुअल नॉलेज जिसको वो जेन्युइन नॉलेज बोल रहा है, इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए. हम भूत प्रेत की बात नहीं कर सकते, हम ऐसी हेल्यूसिनेशंस की बात नहीं कर सकते जिसका विषय बाहर है ही नहीं. तो फिलोसफी ऐसा एब्स्ट्रैक्ट विषय नहीं है जहां पर आप केवल आइडियाज की बात कर रहे हैं लेकिन उसका कोई कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट ना हो. तो प्लेटो इस चीज का बकायदा ध्यान रखते हैं और कहते हैं ट्रुथ क्या है, क्योंकि हमने बात यहीं से शुरू की थी. नॉलेज, नॉलेज इज इक्वलेंट टू ट्रुथ एंड ट्रुथ इज नथिंग बट नॉलेज ऑफ रियलिटी एज इट इज. जो चीज जैसी है उसके प्रति वैसा ही ज्ञान होना, उसके बारे में वैसा ही ज्ञान होना, यही ट्रुथ है. और प्लेटो को जब हम देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंगली उन्होंने ज्ञान को, जिसको हम नॉलेज कह रहे हैं, नॉलेज को बाइफरकेट किया है कि कितनी तरह का हमें ज्ञान होता है. एक है कंजेक्चर, हम कंजेक्चर्स लगाते हैं कि आज ऐसा होगा, आज वैसा होगा. दूसरा बिलीफ, कि मैं तो ऐसे मानता हूं कि भी मेरा ये मानना है. वो कहता है कि ये दोनों ही ओपिनियनेटेड नॉलेज है. ओपिनियन है, आपकी अपनी सोच है, आप अपने आप सोचते हैं कि भी हाँ मेरा अपना ओपिनियन है. तो ये दोनों कंजेक्चर और बिलीफ मिलकर प्लेटो में ओपिनियन कहलाता है, डॉक्सा, जो नॉलेज नहीं है. इसके आगे चलकर प्लेटो समझाते हैं कि डिस्कर्सिव नॉलेज या डिस्कर्सिव इंटेलेक्ट बोलते हैं वो कहाँ पर शुरू होता है, ज्ञान कहाँ पर शुरू होता है, जहां हम मैथमेटिकल अर्थमेटिक, मैथमेटिकल की भी बात नहीं करते वो अभी, अर्थमेटिक की बात करते हैं कि ट्रायंगल क्या है, स्क्वायर क्या है, लाइन क्या है, सर्कल क्या है. अब देखिए ये ज्ञान ऐसे ज्ञान है जो हमेशा निरंतर, इनको हम सनातन ट्रुथ्स बोल सकते हैं. ये अपने आप में चिरंतन रहने वाले ट्रुथ्स हैं, ये इनकी डेफिनेशंस चेंज नहीं होंगी कभी भी. और हाईएस्ट क्या है उनके हिसाब से, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज इज अगेन डायलेक्ट. आप ये देखिए डायलेक्टिक नॉलेज उसके लिए अभी भी सबसे ऊपर है, दैट इज कंसेप्चुअल नॉलेज. क्यों? क्योंकि उसने फाइनली यही एस्टैब्लिश करना है कि आइडिया
ऑफ अ थिंग इज ऑलवेज सुपीरियर टू द थिंग. इसलिए कहीं ना कहीं ट्रुथ नॉलेज को समझाते हुए प्लेटो की दृष्टि में जो आइडिया ऑफ अ पेन है इज ऑलवेज सुपीरियर टू द पेन इटसेल्फ. नाउ वी कम टू एरिस्टोटल. एरिस्टोटल ने प्लेटो के आइडिया को, जो इतना हेवनली आइडिया था, जो उसने बिल्कुल ऊपर चढ़ा के रखा हुआ था आसमान पे, उसको कहते हैं वो नीचे लेकर आए कि नहीं, क्योंकि उनके गुरु थे तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु से शायद एक ये छूट गया कि कोई भी आइडिया जो है बिना ऑब्जेक्ट के नहीं पकड़ा जा सकता. मुझे अगर पेन को समझना है या आइडिया ऑफ पेन को समझना है तो मुझे पहले एक पर्टिकुलर पेन के बीच में उस आइडिया को पकड़ना पड़ेगा. दैट मीन्स द आइडिया एग्जिस्ट इन द ऑब्जेक्ट. आइडिया अगर हम बोले काउ एंड काउनेस, नाउ दिस काउनेस कैनॉट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम द काउ, पर्टिकुलर में ही रहेगा यूनिवर्सल. इसलिए एरिस्टोटल ने इन दोनों को नॉलेज का एक फंडामेंटल फीचर माना कि यूनिवर्सल रिजाइड्स इन द पर्टिकुलर. यूनिवर्सल जो है पर्टिकुलर में ही निवास करता है उसके. ये हमारे वैशेषिक और न्याय दर्शन में भी यही चीज उभर कर आती है कि द्रव्य क्या है, गुणाश्रय क्रियाश्रय द्रव्य. तो ये आपकी जो कहीं ना कहीं जैसे मैंने अभी कहा ही था कि बेस्ट ऑफ द माइंड्स हैव अकर्ड अक्रॉस द ग्लोब. ये कोई हमारी भारतीय और ग्रीक का कोई इसमें प्रश्न कम ही उठता है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये आगे चल के अभी जो आएगा नेक्स्ट फीचर, ज्ञान के ऊपर लगभग सिमिलर बातें हमें देखने में पढ़ने में मिलती हैं भारतीय परंपरा में भी और वेस्टर्न दृष्टि में भी. तो कमिंग बैक टू एरिस्टोटल, आई विल बी जस्ट फिनिशिंग वेरी क्विकली. एरिस्टोटल ने ये एस्टैब्लिश किया कि देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ ट्रुथ्स. प्लीज रिमेंबर ट्रुथ इज इक्वल टू नॉलेज. ट्रुथ दो तरह के हैं, एक है साइंटिफिक ट्रुथ और एक है कंटिंजेंट ट्रुथ. साइंटिफिक ट्रुथ वो ट्रुथ है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकल एनालिटिकल स्टेटमेंट्स, जैसे 2+2 = 4, 2+3 = 5, एवरीवेयर अराउंड द ग्लोब ये एक ही सत्य रहेगा. और फिलोसफी का भी यही काम है कि वो इसी तरह के सत्यों पर काम करे. कंटिंजेंट ट्रुथ, मान लीजिए मैं नहीं आया था तेरे द्वार, ये पथ ही मुड़ गया. अब ये एक पोएटिक स्टेटमेंट है, इसमें आप कुछ नहीं निकाल सकते. फिलोसफी एज अ साइंस कुछ नहीं निकाल सकती. एस्थेटिक्स या लिटरेचर के जैसे लोग हैं वो लोग कुछ ना कुछ निकाल लेंगे कि भाई मैं तो आना नहीं चाह रहा था लेकिन ये रास्ता ही तेरे घर की तरफ मुड़ गया, मैं क्या करूं. नाउ दिस विल नॉट बी अ गुड एग्जाम्पल फॉर अ फिलोसॉफिकल एंटरप्राइज. तो एरिस्टोटल का ये एम था कि ज्ञान की जब भी बात हो एक साइंटिफिक परिपेक्ष में. अब आगे चलकर कहीं ना कहीं एरिस्टोटल ये बताते हैं कि जो हमें नॉलेज होता है वो किन कैटेगरीज में होता है. वो कोई कैटेगरीज है उनके बियॉन्ड हम सोच ही नहीं सकते. हम हमारी जो सोच है, हमारे जो भी विचार हैं, जो भी ज्ञान है, वो एक फ्रेम में आता है. अब वो फ्रेम क्या है, आठ फ्रेम, उस फ्रेम के आठ कोने हैं आप मान लीजिए या आठ पहलू हैं. वो ज्ञान कहीं ना कहीं उन कैटेगरीज में ही होकर आएगा. सबसे पहले सब्सटेंस. कोई भी ज्ञान बिना सब्सटेंस के नहीं हो सकता. कोई ना कोई आधार होगा उस चीज के प्रति, आप किसी चीज के बारे में जान रहे हैं. और वो सब्सटेंस की डेफिनेशन देखिए कितनी खूबसूरत डेफिनेशन देता है. अ सब्सटेंस इज नॉट प्रेडिकेबल ऑफ इटसेल्फ. वो अपने आप, अगर सब्सटेंस अपने आप को प्रेडिकेट कर रहा है, इट वुड बी लाइक सेइंग ए इज ए, है ना. अ क्रो इज अ क्रो, अ काउ इज अ काउ. इट इज एन आइडेंटिटी, इट इज नॉट सेइंग एनीथिंग. सो सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है, विच इज नॉट प्रेडिकेबल ऑफ इट्स ओन सेल्फ. अपने बारे में वो दोहरा नहीं रहा, इट विल बी अ टॉटोलॉजी. वो उसमें कुछ हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, उसमें हमें कोई ज्ञान नहीं मिल रहा. दूसरा फीचर कहता है इट मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन द सब्जेक्ट. ए इज बी या एस इज पी, जैसे हम लॉजिक के स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एस इज पी. अब एस मीन्स सब्जेक्ट, पी मीन्स प्रेडिकेट. अब वो प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट में नहीं रहना, वो तो प्रेडिकेट तो सब्जेक्ट में रहेगा, लेकिन सब्सटेंस जो है इट मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन द सब्जेक्ट.
अपने ही सब्जेक्ट में उसको नहीं रहना चाहिए। अगर वो रहता है तो इसका मतलब है कि एक और सब्सटेंस का सब्सटेंस कहीं ना कहीं पैदा हो गया। तो ये दो डेफिनेशन सब्सटेंस की एरिस्टोटल देते हैं कि सारा ज्ञान जो है ये सब्सटेंस के बारे में होता है, लेकिन कैसे कैसे होता है वो, और वो साथ और कैटेगरीज बताते हैं। हमारा ज्ञान क्वालिटी, किसी ना किसी क्वालिटी को लेकर होता है, या चीज होती है या नहीं होती। क्वालिटी मीन्स यस और नो, हाँ या ना की कैटेगरी में, एफर्मेटिव होगा या नेगेटिव। फिर दूसरा क्वांटिटी, कितना है, हाउ मच, कितनी चीज है, क्वांटिटी को लेकर होगा, वेट होगा, साइज होगा, लिक्विडिटी होगी, फ्लूइडिटी होगी, क्वांटिटी को लेकर बात करते हैं। नॉट ओनली दिस, वी ऑल्सो टॉक ऑफ रिलेशन, किसी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के संदर्भ में देखा जाएगा कि ये हल्का है वो भारी है, तो ज्ञान की ये भी एक स्थिति है। तीसरा, किस टाइम पे हो रहा है आपको वो ज्ञान, कोई एक समय होगा, स्पैन ऑफ टाइम होगा, ऐसे नहीं कि आप ए टाइम हो जाते हैं, टाइम के बियॉन्ड कोई नहीं जा सकता, आप टाइम जिसे हम बोलते हैं देश और काल के बीच में रहते हैं। नॉट ओनली दिस, स्टेट, जिसको अभी देश देश की कंडीशंस में, आप किस कंडीशन में है, कौन सी दिशा में बैठे हैं, किस आप स्टेट में है। नेक्स्ट एक्टिविटी, रिलेशन, आप देखिए यही सब चीजें आपको वैशेषिक दर्शन में मिलेंगी, आपको आपके वहां पर भी जब द्रव्य की बात हो रही है, पदार्थों की बात हो रही है, सबसे पहले तो वहां द्रव्य गुण कर्म सामान्य सब सब वही चीजें आ रही हैं। यही एरिस्टोटल बोल रहा है, यही आपके वैशेषिक दर्शन में भी उभर कर आ रहे हैं। एक्टिविटी एंड देन फाइनली पोजिशन, की वस्तु की या सब्सटेंस की पोजिशन क्या है, वो उठा हुआ है, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, ये एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी इज एक्शन। जबकि इसको हमने, मुझे ऐसा लगता है कि सिंप्लीफाई किया है, इसको हमने वैशेषिक दर्शन में सिंप्लीफाई किया। अब जब हम नॉलेज, नॉलेज पर ही हमें बात करनी है, तो नॉलेज को समझने के लिए थ्योरीज ऑफ ट्रुथ दी गई हैं। थ्योरीज ऑफ ट्रुथ, या जिसको हम थ्योरीज ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं, इसको हमें समझने के लिए क्या तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हमारे पास मोटा मोटा आता है थ्योरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, थ्योरी ऑफ कोहेरेंस एंड प्रैग्मेटिक थ्योरी। अब ज्ञान सत्य या सत्यापन, वैलिडिटी जिसे हम बोलते हैं, कि ज्ञान की एक जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि उसकी सत्यापन की कोई विधि होनी चाहिए, उसको आप वैलिडिटी को प्रूव कर सको। अगर वैलिडिटी आप प्रूव नहीं कर सकते हो तो वो ट्रुथ या नॉलेज नहीं कहलाएगा। तो वो कहता है कि सबसे पहली, इससे पहले बात करने से पहले मैं थोड़ा सा ये भी आपको नरेट करना चाहूंगी कि हमारे सोर्सेज क्या है नॉलेज के, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट ट्रैक चला जाएगा। तो अगर हम ये देखें कि भारतीय परंपरा में चार्वाक से हम शुरू हो जाएं, तो केवल प्रत्यक्ष को माना उन्होंने, केवल प्रत्यक्ष, आगे बढ़कर देखें प्रत्यक्ष और अनुमान को बौद्ध दर्शन भी मान रहा है और वैशेषिक मान रहा है। सांख्य ने एक और ऐड कर दिया कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज में क्या है, ये एक बहुत बड़ा डिबेट चला जाएगा, बट मैं आई जस्ट वांटेड टू पिन पॉइंट कि हाँ ये भी एक सोर्सेज ऑफ नॉलेज में भी अलग से डिबेट हो सकती है कभी इस पे। तो सांख्य ने क्या किया, ऐड कर दिया शब्द प्रमाण को, उसके बाद न्याय आया तो उसने उपमान भी डाल दिया बीच में, बिसाइड्स दीज थ्री परसेप्शन इन्फरेंस एंड वर्ड टेस्टिमनी, उन्होंने क्या किया कंपेरिजन भी डाल दिया, मीमांसक आए, प्रभाकर आए तो उन्होंने अर्थापत्ति डाल दिया, इस तरह से और आते गए, तो छह लगभग हम मान लेते हैं कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज है। अब इनसे जो हमें ट्रुथ मिलता है, अगर हम सबको क्लब कर दें तो हमारी तीन थ्योरीज उभर कर आती हैं, प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज, कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड फाइनली कोहेरेंस थ्योरी ऑफ नॉलेज। प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो बुद्धिज्म के सीधा अर्थ क्रियाकारित्व पे आप चले जाएं कि कोई भी ऐसा ट्रुथ जो आप, कोई भी ऐसा ज्ञान का खंड या पीस ऑफ नॉलेज विच वर्क्स फॉर यू इज नॉलेज। अगर आपको कहा कि ये कार की चाबी है, आप जाके अगर स्कूटर पे लगा रहे हैं, अगर वो नहीं चल रहा है तो ये हमारा, हमारी गलती है। लेकिन अगर कार की चाबी कार में ही लगा रहे हैं और तभी कार नहीं चल रही, तो इट इज नॉट फंक्शनल,
दैट मीन्स इट इज नॉट वैलिड नॉलेज. इसका मतलब वो चाबी जो है उस कार की तो नहीं है, या कोई फंक्शन में उसके दिक्कत आ गई, तो अर्थ क्रिया कार्यत्व वहां पर फेल हो गया कि जो चीज काम नहीं आ रही तो वो आपके लिए ज्ञान का काम नहीं कर रहा. लेकिन इससे वेदांत पक्ष से एक आक्षेप ये आ जाता है कि आपको भय हो रहा है किसी चीज से, तो उस भय से भी तो वो भय भी तो आपको डरा रहा है. आपने देखा तो एक रस्सी का टुकड़ा, लेकिन आपका अर्थ क्रिया कार्यत्व हो गया कि आप डर गए, आप भय में आ गए. और अगर आपको भय लग गया तो उसने तो अपना काम कर दिया. तो इस पक्ष से प्रैग्मैटिक थ्योरी की एक लिमिटेशन ये शो की जाती है कि आपको गलत ज्ञान भी अर्थ क्रिया कार्यत्व देता है. इस कंटेक्स्ट में प्रैग्मैटिक थ्योरी की कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं बनती एज अ थ्योरी ऑफ नॉलेज और एज अ थ्योरी ऑफ ट्रुथ. तो ट्रुथ को समझने के लिए प्रैग्मैटिक थ्योरी एक लिमिटेशन में मानी जाती है. दूसरा कौन सा है? थ्योरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, कि मैंने कहा वो चीनी पड़ी है, आप गए, आपने उठाया, आपने उसको चखा, और जैसे ही आपने उसको मुंह में डाला और आपने कहा हाँ हाँ ये तो मीठा है, लेकिन आप गए दूसरे कोने में, वहां पे क्रस्ट वो आपको था कि शायद कहीं ना कहीं वो पड़ा है, जिसे हम बुरा चीनी बोलते हैं. तो आपने वहां गए और आपने मुंह में डाला और देखा अरे ये तो नमक था. आपके कॉरेस्पॉन्डेंस में फेलियर हो गया. आपने जो कहा वो वहीं पर वो एक तरह से मैच नहीं किया, कॉरेस्पॉन्ड नहीं किया. नॉलेज, जैसे मैंने पहले ही कहा कि प्लेटो ने कहा कि नॉलेज मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट आउटसाइड. ये नहीं हो सकता कि आप बस मन में सोचते रहे और बाहर कुछ भी ना हो. तो आपने जैसे ही कॉरेस्पॉन्ड किया अपने ज्ञान को, वहां पे विषय नहीं था, वो गलत विषय था, इसलिए वहां ज्ञान आपको हो गया कि भाई मैं अभी तक जो सोच रहा था वो इग्नोरेंस थी, वो गलत ज्ञान था, अब सही हो गया कि ये चीनी नहीं है, ये नमक है. तीसरा फॉर्म ऑफ थ्योरी ऑफ ट्रुथ क्या है? थ्योरी ऑफ कोहेरेंस, कि चार लोगों ने बैठ के इकट्ठे, भारतीय समाज ने, अमेरिकन समाज ने, चाइनीज समाज ने बैठकर इकट्ठे सोच लिया कि हम इसको ये कहेंगे. जहां अनुभव समन्वयात्मक हो, आपका और मेरा एक ही तरह का, कोरोना को लेकर अगर एक ही तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं तो वो है थ्योरी ऑफ कोहेरेंस. आपका और मेरा अनुभव अगर एक ही तरह का एक चीज को लेकर है, फूल को, पत्ती को, पेड़ को, नदी को, तो वो उसको आप भी नदी कह रहे हैं, मैं भी नदी कह रही हूँ. लेकिन अगर आज से हम बदल लें कि नहीं भाई आज से हम नदी नहीं बोलेंगे, इसे दनी बोलेंगे, तो बोलो. लेकिन ये ज्ञान एक्चुअली जो है ये कंस्ट्रक्शन है. जैसे शुरू में डॉक्टर आशुतोष ने एक बात कही थी, शब्द और ज्ञान, ज्ञान जो है वो शब्दों के माध्यम से ट्रैवल करता है. जबकि इस पे एक बहुत बड़ी डिबेट है बुद्धिज्म के दिमाग जो कहते हैं कि ऐसा नहीं है. ऑब्जेक्ट अनुभव जो होता है वस्तु का, एक बच्चे को भी है लेकिन उसके पास भाषा नहीं है. अनुभव होना और अनुभव का एक भाषा के माध्यम में आना, जब तक उसने भाषा नहीं सीखी, अनुभव तो उस बच्चे को भी बॉटल का अनुभव हो रहा है, एक बड़े को भी उस बॉटल का अनुभव हो रहा है, एक बच्चे को भी अनुभव हो रहा है, लेकिन बच्चे के पास केवल एक कमी है, उस शब्द की जो उस वस्तु को रिप्रेजेंट करेगा, है ना. तो इसलिए शब्द और शब्द का जो शब्द को जो कैरी करता है, अनुभव शब्द को कैरी करता है, हमारे सॉरी शब्द अनुभव को कैरी करता है. तो हम यहाँ केवल अनुभव की बात कर रहे हैं, भाषा के डिस्कोर्स पे नहीं जाएंगे. वो बिल्कुल लॉजिकल पॉजिटिविज्म ये डीकंस्ट्रक्ट ही कर देते हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है ऐसे डिस्कोर्स. नहीं देने चाहिए जो वेरीफाई ना हो सके. जबकि ये एक अपने आप में इसका एक बहुत लूप होल है कि हमें तब भी ऐसे अनुभव होते हैं जो भाषा में, एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस को ही ले लीजिए कि एस्थेटिक एक्सपीरियंस के अक्सर हम रिप्रेजेंटेशन भाषा में हमारी फेल हो जाती है. वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम वहाँ ओवरवेल्ड होते हैं, भावनाएं इतनी प्रगाढ़ होती है कि हम लोगों को ये समझ नहीं आता है कि कौन सा शब्द कहाँ कभी कौन सा प्रयोग करता है, ये देखते हुए कि सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाए. तो ये एक अलग डोमेन है. सो कमिंग बैक टू द थ्योरी ऑफ कोहेरेंस, कोहेरेंस को भी फाइनली कॉरेस्पॉन्डेंस की थ्योरी पर ही डिपेंड करना पड़ता है, कहने का अभिप्राय केवल इतना था. अब इसी के साथ जब हम
आगे बढ़कर देखते हैं, ये तो थ्योरीज ऑफ नॉलेज हुई। अब नॉलेज की एक छोटी सी डेफिनेशन करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि जब हम ज्ञान की बात करते हैं कि ज्ञान का सिद्धांत है क्या, ज्ञान की परिभाषा क्या है, तो वेस्ट में देखते हैं तो हमारे को एक बड़ी सटल सी डेफिनेशन मिलती है, जस्टिफाइड रैशनल, ट्रू रैशनल बिलीफ, एक ऐसा विश्वास जिसको आप रैशनली जस्टिफाई कर सको। ये तो है बेस्ट का कॉन्सेप्ट, इस पर हम नहीं जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी लंबी चर्चा है। लेकिन जो यहाँ पर हमें उपलब्ध है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, मीमांसा के कंटेक्स में, न्याय के कंटेक्स में, तो चार लगभग हमारे पास उभर के फीचर्स आते हैं, जिसमें दो ही सबसे मुख्य हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो है अनकॉन्ट्रडिक्शन, नॉन कॉन्ट्रडिक्शन जिसे बोलते हैं, कि आपका ज्ञान में बाध नहीं आना चाहिए, अबाध होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं आपके कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए। अभी आप कह रहे हैं गर्म है और अभी कह रहे हैं आप ठंडा है, तो इसमें ये कॉन्ट्रडिक्शन आएगी। तो एक चीज अगर आप कह रहे हैं कि ये पानी है, तो फिर आप थोड़ी देर बाद ये ना कहें कि भाई ये आग है, या जिसे हम एग्जाम्पल फिलोसॉफिकल कंटेक्स में वो फिलोलॉजिकल एग्जाम्पल्स देते हैं, वन्निना सिंचति, सिंचने का काम जो है वन्नी से नहीं हो सकता, पानी से ही किया जा सकता है। तो इसलिए ये दोष नहीं आना चाहिए आपके ज्ञान में, ज्ञान का सबसे बड़ा एक ये फीचर। दूसरा, इट शुड बी रियलिस्टिक, जैसा बार बार मैं कह रही हूँ कि प्लेटो ने भी कहा कि एक ज्ञान का ऑब्जेक्ट होना चाहिए बाहर, यथार्थ होना चाहिए, आपकी हेलुसिनेशन नहीं होनी चाहिए, आपको कोई पैनिक अटैक की वजह से नहीं दिखना चाहिए कि हाँ ऐसा हो जाएगा ऐसा, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है ज्ञान में। जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो लास्ट दो चीजें जो मैं कहना चाह रही थी, एक तो है डिफेक्टलेस सोर्स, कि ऐसे सोर्स से, ऐसे इंद्रियों से उत्पन्न हुआ जिनमें कोई त्रुटि नहीं है, जिनमें कोई दोष नहीं है। जैसे जॉन्डिस का पेशेंट है, तो अगर उसको दिखेगा कुछ गड़बड़ है, पीला है, तो वो हर चीज को पीला पीला बोलेगा, विच इज नॉट अ करेक्ट नॉलेज। नॉट ओनली दिस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगृहीता ग्राही, जिसमें नवीनता हो, ये एलिमेंट मीमांसकों ने डाला, जिसका कहीं ना कहीं वेदांतियों ने थोड़ा सा कहा कि ये कोई बहुत बड़ा बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये इसलिए कहा गया ताकि ज्ञान को स्मृति से बचा के रखा जा सके। स्मृति में वो एलिमेंट्स नहीं है जो ज्ञान में, ये नवीनता का एलिमेंट डालने का कारण क्या रहा होगा कि कहीं ना कहीं चीज पहली बार जब आपके प्रत्यक्ष, क्योंकि मीमांसक अनुभव को मानता है, अनुभव इज इक्वल टू ज्ञान, आपको चाहे गलत भी ज्ञान हो रहा है वो बाद में सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि स्वतः प्रमाण्यवाद को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं बाद में आप सिद्ध करेंगे कि वो जो ज्ञान आपको हो रहा था, कि जो रस्सी से आप डर रहे थे वो रस्सी थी, वो सांप नहीं था, ये तो बाद में होगा, लेकिन उस टाइम पे जब रस्सी को आपने मान लिया सांप और आप थरथराने लगे, तो आपने तो अनुभव कर लिया ना, वो ज्ञान तो हुआ ना, तो वो ज्ञान एक्चुअली में यथार्थ नहीं था, ये तो बाद में डिस्क्लोज होगा, लेकिन उस वक्त आपको जो अनुभव हुआ वो आपका ज्ञान था, इसलिए वो सेल्फ वैलिडिटी मानते हैं, स्वतः प्रमाण्यवाद को मानते हैं। लेकिन जब वो बात करते हैं नवीनता की, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्मृति है, क्योंकि वो ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाती चीजों को, विद एज, विद मेनी फैक्टर्स, कोई साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, कोई और वजह हो सकती है, कि मेमोरी पर हम, फॉर नॉलेज हम वी कैन नॉट डिपेंड। क्यों? क्योंकि उसमें एडिशंस होने लगते हैं, कुछ ना कुछ एड ऑन हो जाता है, कुछ ना कुछ माइनस हो जाता है, तो इस वजह से स्मृति को बचाने के चक्कर में कि इस ये साइड पे रहे और नॉलेज की एक बिल्कुल टेक्निकल डेफिनेशन हमारे सामने रहे, तो उन्होंने ये नाम डाल दिया कि अगृहीता ग्राही, जो पहले से 10 बार आपको कह देने से कि ये चौक है, ये चौक है, ये चौक है, इसमें आपको कुछ नया नहीं मिल रहा है, ये इट इज ओनली योर मेमोरी दैट इज फंक्शनिंग, है ना। तो नॉलेज हमेशा वो है जो आपको पहली बार अनुभव दे रही है, जो आपको नया अनुभव दे रही है। तो इस पे वेदांतियों ने एक प्रश्न जो उठाया और बड़ा रेलेवेंट लगता है, कि मान लीजिए अब पिछले 1 घंटे से आप मुझे और मैं आपको देख रही हूं, अब ये एक कंस्टेंट जरा की बच्चे ज्ञान है, धारावाहिक है, इसमें एक धारा बह रही ना है, परछाई फ्लो है ना है, परे भी है ना। कंटिन्यूटी है कहीं ना कहीं। तो अब कौन सा, जो ए देखा था, जो ए स्टार्टिंग पे था
और अब 8:10 हो चुका वो, तो अब कोई अंतर आया इस बीच में? जो है वो चेंज हुई बीच में या वो ही रही? तो मीमांसकों का मानना है कि वो वस्तु जो ये डेफिनेशन है नॉलेज की, जो ज्ञान की डेफिनेशन है, वो सब पर एक फिनोमिना ऑफ इवेंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ना कि A1 पे अप्लाई हो रहा है। इट विल अप्लाई टिल A10। जबकि वेदांती इस चीज को कहते हैं कि हमारे विचार में जब तक नया कुछ फ्रेश पीस ऑफ नॉलेज नहीं आता, तब तक वो वही नॉलेज नॉलेज है। अगर आप नवीनता को ही इंटरप्रेट करना चाहते हैं, तो जब तक कोई नया खंड नहीं आता है, तब तक ज्ञान वही, जो जिसको हम स्ट्रेच्ड नॉलेज बोल रहे हैं या स्पैन ऑफ टाइम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कंटिन्यू करेगा। तो ये चार पैरामीटर्स हमारे को उपलब्ध होते हैं ज्ञान को लेकर, और थ्योरीज ऑफ ट्रूथ या थ्योरीज ऑफ नॉलेज को लेकर, ग्रीक ट्रेडिशन में कैसे सोचा गया, यहाँ पर किस तरह से सोचा गया, न्याय में किस तरह से सोचा गया, ये सब एक अलग तरह का डिस्कोर्स है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी जो एक सबसे इंटरेस्टिंग डिबेट हम लोग आने वाले समय में कभी भी ले सकते हैं, वो भाषा का संबंध ज्ञान के साथ क्या है, ये अपने आप में एक बिल्कुल इट्स अ डिफरेंट ट्रैजेक्टरी एंड डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। और इस पे अभी बहुत काम मुझे लगता है हो किया भी जा सकता है, और इस पे डेलिब्रेशंस होनी भी चाहिए। इसके साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत ही विस्तार से आपने ये बातें हमें बताई हैं। इनके विषय में हमें नहीं पहले पता था, और जिस सिस्टमेटिक तरीके से आपने हमारे सामने दो पक्ष रखे हैं ज्ञान के, कि नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन एंड नॉलेज बाय एक्वेंटेंस, तो इससे मुझे तो कम से कम काफी स्पष्टता हुई है। और बल्कि आपकी सारी बातें सुनते हुए मुझे एक जेन कहानी ध्यान आ रही थी कि एक जेन मास्टर के पास एक साधक जो है वो जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कि भी मुझे ज्ञान चाहिए। तो जेन मास्टर उसको चुपचाप प्याला एक पकड़ा देता है चाय का, लेकिन जैसे ही वो पकड़ता है और वो प्याला टूट जाता है। दूसरी बार तीसरी बार भी यही घटना घटती है, तो वो साधक अपने गुरु को कहता है, उस ज्ञानी को कहता है कि ये प्याले बड़े कच्चे हैं। तो गुरु का तुरंत उत्तर आता है कि ये प्याले कच्चे नहीं हैं, इनको संभालने वाले हाथ अनभ्यस्त हैं। और आज मुझे आपकी सारी ये बातें सुनकर के ये कहानी याद आ गई कि हम लोगों को इस तरह के विषयों को हैंडल करने की आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है। इसलिए बहुत सारी चीजें हो सकता है कि वो हम सभी के समझने के लिए कुछ कठिन भी हुई हो, और हो सकता है मस्तिष्क पे दबाव भी पड़े हो। लेकिन आपकी बात को मैं और अग्रसर करते हुए, इससे पूर्व कि मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए मंच पर आमंत्रित करूं, मैं दो तीन बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। ज्ञान के संबंध में दो बातें ध्यान में हमें रख लेनी चाहिए। एक तो कि ज्ञान के संबंध में कुछ समस्याएं उठती हैं और कुछ समस्याएं उठाई जाती हैं। उठने वाली समस्याओं का संबंध इस बात से है, ये सरलतम भाषा में मैं बात कर रहा हूं ताकि हम सभी उस बात को समझ सकें, और जिस ज्ञान को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको देखें कि वो भाषा से कैसे पकड़ में आता है। उठने वाली बात है कि आप स्वयं जब विचार करते हैं तो कई तरह की समस्याएं आप उठते हैं, उनके ऊपर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं और समाधान करते हैं। ये तो इस ज्ञान का एक पक्ष है जहां पर समस्याएं ज्ञान संबंधित उठती हैं। दूसरी ओर जो ज्ञान से संबंधित समस्याएं उठाई जाती हैं, उसका संदर्भ हमेशा दूसरे लोग होते हैं जो दूसरे आपके लिए समस्या को पैदा करते हैं या दूसरे आपसे प्रश्न करते हैं। तो इस बात को हम थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए जब हम इस विषय की ओर अग्रसर होते हैं, यूं कह लीजिए कि जब आपसे कभी कोई ये सवाल करता है कि क्या आप राम को जानते हैं, तो ये एक तरह का प्रश्न है। और अगर आपसे कोई ये कहे कि क्या राम का ज्ञान है, तो
तो मुझे लगता है कि आप एक अटपटेपन को महसूस करेंगे। अब राम का ज्ञान होना और राम को आप जानते हैं, दोनों बातों के अंतर को इस संदर्भ में अगर नहीं समझेंगे तो ज्ञान की बात हमारे हाथ से निकल जाएगी। या इस बात को मैं एक और तरीके से भी कहता हूं कि अगर आपको कोई कहे कि आपको संगीत का ज्ञान है, क्या आप गाना गाते हैं या गाना गा सकते हैं, और अगर कोई कहे कि संगीत के विषय का ज्ञान है, तो पहली वाली बात जो है कि आपको गाना आता है, ये एक निश्चित रूप से कौशल है, ज्ञान कौशलता के संदर्भ में चला गया है। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूं कि आपको संगीत के विषय का ज्ञान है, तो वो दो अर्थों में समस्या को पैदा कर देता है कि हो सकता है मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपको गाने का अभ्यास है, या ये हो सकता है कि आपको थ्योरेटिकली उस सारे संगीत के विषयों का पता है। तो इसलिए एक तरह से ये दो पक्ष और हमारे सामने आ जाते हैं, और इन पक्षों को हम प्रश्नोत्तर काल में थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, जब हम जैनों का अनेकांतवाद की दृष्टि से देखने लगेंगे, और जब हम बौद्धों की इस दृष्टि से देखने लगेंगे कि सर्वम अनित्यम, कुछ भी शाश्वत नहीं है, सर्वम क्षणिकम, जब इस दृष्टि से देखने लगेंगे तो वो सारी की सारी ज्ञान की अवस्थाएं जो है वो बिल्कुल ही बदल जाएंगी। और फिर और भी कई पक्ष हैं जो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी से कि वो हमारे साथ इन सभी पक्षों के ऊपर अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में इसको लेंगे, और उसके बाद हम संक्षिप्त सा क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, और उसमें आप लोगों के साथ हम रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है जो आपके सर्टिफिकेट्स के लिए है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को, जो कि अध्यक्ष रहे हैं फिलोसफी डिपार्टमेंट के यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से, कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ साझा कर लें। और इससे पूर्व कि वो अपनी बात शुरू करें, मैं जल्दी से एक बात और कर लूं कि ये स्लाइड्स मैंने बनाई थी। होता क्या है जब इस तरह के सेमिनार या वेबिनार्स मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, तो उसमें दो पक्ष रहते हैं। इन स्लाइड्स को आप नजर मार लीजिए, क्योंकि मैं उनको आमंत्रित कर चुका हूँ, कि जब आप किसी बड़े बुजुर्ग से बात करते हैं, घरों में भी सामान्य रूप से देखते हैं, तो कोई सवाल कहते हैं तो बड़े बुजुर्गों का उत्तर क्या होता है कि आई नो, मुझे मालूम है। आप उनको कहना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं कि नहीं आपको नहीं पता, लेकिन वो अपनी बात पे इंसिस्ट करते हैं कि नो नो नो, आई नो, आई अंडरस्टैंड, यू डोंट नो। अब दूसरी तरफ के वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि टेल मी, आई वॉन्ट टू नो, हम जानना चाहते हैं। तो इन सेमिनार्स में उन लोगों का स्वागत करने में हमेशा सुख अनुभव होता है जो इस स्थिति में है कि टेल मी, आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो मोर, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। और अगर जानते ही हैं तो फिर तो भरे हुए प्यालों को तो भरा नहीं जा सकता। इसलिए उन भरे हुए प्यालों में अगर आप ये कुछ क्वेश्चंस ले लें, जल्दी से आप नजर मार लीजिए ताकि मैं पढ़ने में समय व्यर्थ ना करूं, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब की बात सुनना चाहूंगा। व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट इज नॉट नॉलेज, ये बात जाननी बड़ी जरूरी है। हाउ टू डिफाइन नॉलेज एंड इट्स रिलेशनशिप टू ह्यूमन बिहेवियर, रैशनल, इरेशनल, इंपल्सिव, जितने भी आप चाहें। ये मुझे काफी समय लगा इन प्रश्नों को ढूंढने में, बनाने में। आप जल्दी से इसके ऊपर नजर मार लीजिए, और एक ये जो ब्लैक में लिखा हुआ प्रश्न है इसको जरूर आप देखिए। इस नोइंग मैथमेटिक्स, स्विमिंग एंड नोइंग राम श्याम मीन वन एंड द सेम थिंग, ज्ञान के इस पक्ष को जरूर जरूर देखिए। और प्रश्नों की भी लिस्ट है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मैंने बहुत लंबा प्रश्नों का एक खजाना बनाया, लेकिन मैं उसमें से पढ़ नहीं रहा। आप जल्दी से नजर मार लीजिए, और बाद में अगर चाहें तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ताकि अगर आपके पास कोई उत्तर हो इन सभी प्रश्नों के, तो आप उनको प्रश्नोत्तर काल में जो है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एक शरारत वाला प्रश्न जो है वो भी आप अंत में ले सकते हैं, वो है हु वॉज द फर्स्ट मैन टू क्लेम दैट ही इज नॉलेजेबल इन ह्यूमन हिस्ट्री, और डू वी नीड टू एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ नॉलेज। कोई तो ऐसा आदमी होगा जो इस तरह से हम विज्ञान की एक सिस्टमेटिक बात करते हैं कि ज्ञान जो है वो एक कार्य कारण भाव में है, तो क्या ये संभव है कि कोई विश्व में पहला आदमी एक ऐसा आदमी हुआ हो जो ये कहे कि मुझे ज्ञान है, मैं ज्ञानी हूँ, और उसके बाद की सारी परंपराएं हैं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंतिम प्रश्नों के साथ। ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसको देख करके आप ज्ञान की समस्या का अनुमान कर सकते हैं,
कि आपकी इंद्रियां आपको धोखा देती हैं, तो इंद्रियों से ग्रहण जो ज्ञान है वो निश्चित रूप से वो कम से कम विश्वसनीय कितना होगा ये आप लोग देखिए। और एक प्रश्न हम ले लेते हैं ये वाला, हाउ द नॉलेज ऑफ आइंस्टाइन, कार्ल मार्क्स, डार्विन, हीगल वाज डिफरेंट फ्रॉम प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस एंड व्हाट अबाउट द नॉलेज व्हिच द लॉर्ड जीसस हैड। आप ये ज्ञान का तो अंतर करके हमें बताएंगे ही। और मेरे जितने 86 लोग इस वक्त 86 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि संतों का जो ज्ञान है जिसके ऊपर हम बड़ा फख्र करते हैं, और दूसरी ओर जो विज्ञान और सोशल साइंसेज और पूरी कैलकुलेशंस मैथमेटिक्स के थ्रू जो ज्ञान आ रहा है, उस ज्ञान के अंतर को आप मुझे स्पष्ट रूप से समझाइएगा प्रश्नोत्तर काल में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को कि वो हमें अपने वक्तव्य से जो है वो आह्लादित करें, आनंदित करें। डॉक्टर साहब स्वागत है। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानरूपं निजबोधरूपं योगींद्रमीड्यं अवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, थोड़ा पास हो जाएंगे तो ज्यादा सुविधा होगी, थोड़ी लाउड हो जाएगी। अच्छा, हाँ, आज का जो आपने व्याख्यान रखा संस्कृत में ज्ञान का स्वरूप और पाश्चात्य दर्शन में, तो काफी विस्तृत चर्चा शिवानी जी ने इसमें की पाश्चात्य दृष्टि से, विशेष करके कि उन्होंने तो ज्ञान के कई आयाम हमारे सामने रखे और संस्कृत के जो ज्ञान के आयाम है वो अभी रखने बाकी रह गए, तो उसके ऊपर भी मैं कुछ चर्चा करूंगा। जैसा आपने शुरू में कहा कि शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीन चीजें हैं। शब्द क्या है, अर्थ क्या है और ज्ञान क्या है, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। भारत में जो वैदिक दृष्टि हम पतंजलि महाभाष्य से शुरू करेंगे तो लगेगा कि शब्द, अर्थ और ज्ञान इनके बीच में एक संबंध है और वो नित्य संबंध है। पतंजलि ये समझाते हैं कि मान लीजिए हम ज्ञान को क्या समझें, ज्ञान को हम या शब्द को क्या समझें, तो शब्द के साथ ज्ञान जुड़ा हुआ है क्योंकि ज्ञान को व्यक्त करने के लिए शब्द के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। कोई भी ज्ञान आपके पास है, वो पुस्तक के रूप में हो, सूत्र के रूप में हो, फार्मूले के रूप में हो, वो आप हमेशा भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं, शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो भाषा की इसमें मुख्य भूमिका होती है और भारतीय दृष्टि में भाषा दर्शन मुख्य रहा, पाश्चात्य दृष्टि में गणितीय दर्शन रहा। उन्होंने ज्ञान को प्रमाण के रूप में देखा और सत्य ज्ञान और सटीक ज्ञान की खोज की। भारतीय दृष्टि में जो ज्ञान था वो उन्होंने व्याकरण के आधार पर देखा और पतंजलि समझा देते हैं कि सीधी सीधी बात क्या है। पतंजलि कहते हैं कि देखिए ये शब्दों का शास्त्र लिख रहे हैं, सबसे पहला शास्त्र जो है शब्द शास्त्र है, ये वेद का मुख है। वेद का मुख होने से जो इसको समझ लेगा वो सब कुछ समझ लेगा। जो वेद वेद वदनम सदनम ही सम्यक ब्राह्मण सवेद वेद की मन्य शास्त्रम तस्मादत प्रथम में तथित्य धीमान शास्त्रांतरेशु भवति श्रवणेधिकारी। कि जो लोग व्याकरण शास्त्र को समझ लें तो पूरे भारतीय शास्त्र का जो मूल शास्त्र व्याकरण शास्त्र है और वो वेद के मुख को समझ लेंगे तो उन्हें भाषा समझ में आ जाएगी, शब्द और अर्थ समझ में आ जाएंगे, ज्ञान भी समझ में आ जाएगा। तो ये शास्त्र हमें पढ़ना चाहिए, इसके बाद में हम अन्य कोई चर्चा करें। तो पहले हमारा मूल जो भूत है भारतीय चिंतन में, संस्कृत के चिंतन में व्याकरण शास्त्र को मूल माना गया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए बताइए ज्ञान क्या है, तो उन्होंने बहुत सिंपल उदाहरण दिया कि मेरे सामने एक गाय है, गो इति शब्द है, गाय एक शब्द है और इस शब्द का अर्थ क्या है और इसका ज्ञान क्या है। तो कहा कि गाय एक शब्द है, गो इति शब्द है, तो इसमें इसका अर्थ क्या है, ये किसी अर्थ को बता रहा है। ज्ञान हमेशा हमें किसी अर्थ का करवा रहा है, शब्द क्या करवा रहा है, ज्ञान करवा रहा है, किसका, अर्थ का। अर्थ क्या है बताइए कि गाय शब्द को सुनकर के आपको क्या ज्ञान हुआ। तो उन्होंने लिखा कि पहली जो बात है, जैसे ही मैंने गाय सुना, जितने लोग सुनने गाय शब्द सुनकर के उनको कौन सा अर्थ प्रतीत होता है, तो कहते हैं उनको ये प्रतीत होगा कि एक ऐसा प्राणी जिसके सिंह है, खुर है, कपुद है और शासना है, ये गाय के जो लक्षण है वो उनको दिखेंगे। कहते ये इसका ज्ञान हुआ, शब्द सुन करके हमें एक चीज का ज्ञान हुआ, गाय क्या चीज है ज्ञान हुआ। तो उन्होंने कहा पतंजलि ने, ये नहीं ज्ञान हुआ, ये द्रव्य का नाम है, आप जो समझ रहे हो द्रव्य है, ये गो एक द्रव्य है, वो एक वस्तु है, उस वस्तु का ज्ञान आपको हो रहा है, ये शब्द नहीं है। तो बोले शब्द क्या है, तो उन्होंने कहा दूसरा जो है कि ये जो गाय हिल रही है, चेष्टा कर रही है, आंखें बंद कर रही है और घास को चबा रही है, तो ये ज्ञान, ये शब्द है। तो कहा नहीं, ये भी शब्द नहीं है, ये क्रिया का नाम है। तो
शब्द में एक तो शब्द शब्द को हम समझने जा रहे हैं तो पहले हम शब्द को समझें, फिर अर्थ को समझें, फिर ज्ञान को समझें। तो पतंजलि कह रहे हैं कि पहले जो मैंने बताया वो द्रव्य को समझा हमने, दूसरी बार हमने क्रिया को समझा, तीसरी बार जब हमने कहा कि गाय और कुछ हो सकती है क्या, तो कहा गाय काली है, पीली है, कपिल है, रंगी बिरंगी कपोत के कबूतर की कलर की है, क्या ये गाय है, ये शब्द है, तो कहा ये भी शब्द नहीं है, ये इसके गुणों का नाम है, तो ये गुणों का नाम है। तो फिर चौथी उन्होंने परिभाषा दी शब्द की कि ये हम ये समझे कि तद भिन्नेश्व भिन्नम तद छिन्नेश्व छिन्नम सामान्य भूतम स शब्द है, कि शब्द वो हुआ कि जो भिन्नों में अभिन्नता और छिन्नों में अछिन्नता है उसे सामान्य कहते हैं, नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, कि जो नित्य है एक है और अनेक में प्राप्त होता है वो सब गायों में जो मिलने वाला गोत्व है वो शब्द है, तो कहा नहीं ये आकृति का नाम। तो पतंजलि ने ये माना कि ये चार पक्ष रखे शब्द से कि उनको कहा ये शब्द नहीं है, तो फिर शब्द है क्या, भाषा क्या, पहला प्रश्न उठेगा। तो कहा भाषा वो हुई कि जिसके बोलने से ये नो चारिते न, कि जिनको बोलने से ये सब चीजों का ज्ञान होता है, संप्रत्यय होता है, उस ज्ञान को हम शब्द कहते हैं, यानी शब्द वो चीज है वो हमें ज्ञान करवाती है इनका, इन सब चीजों का, यानी ये चीजें क्या है, द्रव्य का ज्ञान, क्रिया का ज्ञान, गुण का ज्ञान और आकृति का ज्ञान। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान को हम क्या समझें, द्रव्य समझें या क्रिया समझें या गुण समझें या आकृति समझें, तो हम किस कोटि में ज्ञान को रखें कि ज्ञान क्या चीज है इन चारों में से। तो वो कहा कि शब्द तो ज्ञान को बता रहा है, वो हमें स्पष्ट कर रहा है इन चीजों को, अथवा हम ये कहें कि जिससे अर्थ पर सीधे सीधे शब्दों में कहें कि शब्द क्या है, तो वो उस अर्थ को बताने वाला शब्द है। तो इसका मतलब हम शब्द को समझ गए कि शब्द एक ध्वनि है, और उस ध्वनि को सुन करके जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको सुन करके आपके मन में कुछ ज्ञान पैदा हो रहा है, कुछ अर्थ आपके सामने आ रहे हैं, तो जो अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति वो शब्द है, और अर्थ का हमें ज्ञान हो जाता है। और अर्थ का ज्ञान हो गया तो दो परिभाषा दी, अब ज्ञान जो क्या है, ज्ञान को हमारे पास प्रकट करने का साधन क्या, तो भर्तृहरि बड़ी अच्छी व्याख्या लिखते हैं और कहते हैं कि न सोहति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमात्रते अनुविद्धमिवम ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते, कि ज्ञान को समझने के लिए शब्द के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं, दुनिया का जितने भी ज्ञान है वो शब्द के द्वारा ही कहे जाते हैं और शब्द ही ज्ञान को प्रकट करता है। इसलिए ज्ञान को हम समझें, ज्ञान में हमने समझा कि द्रव्य गुण कर ये सब चीजें क्या है, ये हम वस्तु का ज्ञान ले रहे हैं। इसके बाद में गौतम ने जब न्याय सूत्र लिखा तो उन्होंने कहा कि देखिए हम ऐसा मान है कि आपने जो बातें की वैयाकरण दर्शन है और उनमें उन्होंने कहा द्रव्य गुण क्रिया और आकृति, तो उन्होंने इसका एक सूत्र बनाया कि अर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम अर्थ का ज्ञान अगर करते हैं, अर्थ हमें समझें क्या है, तो अर्थ चार तरह का हो सकता है, द्रव्याकृति व्यक्तयस्तु पदार्थ, पद का अर्थ, पद यानी शब्द और शब्दों का एक अर्थ, और उसी से हम ज्ञान, जिसको हम ज्ञान समझ रहे हैं वो ज्ञान अर्थ का है, असल में ज्ञान किसी के द्वारा हो रहा है, उसे वो कहते हैं कि आकृति व्यक्ति और जाति, इनको वो मानते हैं कि ये पदार्थ हैं और इसे हम पदार्थ कहते हैं। अब प्रश्न ये हुआ कि हम यहाँ जो मूल समस्या आती है कि ज्ञान को हम द्रव्य माने या क्रिया माने या गुण माने, तो भारतीय चिंतन जो अलग अलग दृष्टियों में चला जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण है, ये दृष्टि पाश्चात्य दृष्टि से मेल खाती है, ये न्याय दर्शन की दृष्टि है, और हम ये मानते हैं कि कणाद ने इस दृष्टि का विकसित किया और उन्होंने कहा कि ज्ञान जो है वस्तुओं का ही तो होगा, ज्ञान किसका होगा, संसार का होगा, तो हम संसार को अगर समझना चाहते हैं, संसार की जो वस्तुएं हैं उनका हमें ज्ञान करना पड़ेगा, वो ज्ञान कैसा होगा, तो उन्होंने कहा विषय का ज्ञान होगा, हमारे जो विषय हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं या संसार जो है वो हमारा विषय है, और उन विषय को हम ज्ञान करें तो हमारा ज्ञान होगा। तो ज्ञानम विषय उच्यते, ज्ञान किसे कहें, कि ज्ञान किसी न किसी विषय का होगा, वो ज्ञान कभी निर्विषय नहीं होगा। तो उन्होंने एक व्याख्या ज्ञान की दी, वो गुण के रूप में दी कि ज्ञान एक गुण है और वो गुण आत्मा का गुण है, आत्मा के अंदर एक गुण है और किसी में ज्ञान नहीं है, जितने भी द्रव्य हैं उनमें केवल आत्मा में ही ज्ञान नाम का गुण है और वो एक उसका गुण है, इसके अंदर रहता है, हम सब ज्ञानी है और जो ज्ञानी है उस ज्ञानी में ज्ञान रहता है, उसका गुण है। अब ये गुण जो है उस गुण का स्वरूप न्याय दृष्टि से चलता है कि उन्होंने जगत को समझने के लिए प्रयुक्त किया कि जगत को अगर आप समझना हो, जगत को अगर समझना हो तो हम न्याय की दृष्टि ले सकते हैं और संसार के जितने भी विषय हैं उन विषयों का ज्ञान हम
इस न्याय के गुण दृष्टि से करते हैं कि ज्ञान एक गुण है और उस गुण का क्या कहेंगे। उन्होंने कहा व्याख्या की ज्ञान जो अनित्य है, ज्ञान क्षण स्थायी है, तीन क्षण रहता है ज्ञान। हमें ज्ञान एक तरह से पैदा होता है और ज्ञान नष्ट भी होता है। ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान कैसा है, ज्ञान निराकार भी है, ज्ञान का कोई आकार नहीं है और उसको जो आकार मिलता है वस्तु का आकार होता है। ये उदाहरण आप ऐसे समझें कि जैसे दर्पण है, दर्पण में जो वस्तु दिखती है सब वस्तु दर्पण में दिखती है क्योंकि दर्पण निर्मल होता है और उसमें बाहरी वस्तुएं दिखती हैं। तो जैसे प्रत्येक वस्तु उसमें दिखेगी, जो भी वस्तु उसके सामने रखेंगे वो दर्पण में अवश्य दिखती है और उसका ज्ञान हमें होता है। ऐसे ही हमारे अंदर एक ज्ञान नाम का गुण है आत्मा में, तो आत्मा हमें बाहरी विषयों को भाषित करती है, प्रकाशित करती है और हमें बाहरी विषयों का ज्ञान देता है जो बाहर है। कुछ विषय हमारे अंदर भी हो सकते हैं, अंदर मन में दुख है, क्रोध है, तो ये अंदर क्या भी वो ज्ञान कर लेंगे तो कहते हैं हमें ज्ञान को गुण मान लेना चाहिए। और एक दृष्टि जो उन्होंने पल्लवित की, प्रणाद ऋषि ने, वैशेषिक दृष्टि या न्याय दृष्टि, तो वो ज्ञान को एक तरह का गुण मान करके और उसके अनुसार उन्होंने बात की। इसमें बहुत सी बातें हैं, जैसे ज्ञान का प्रकाश स्वतः प्रकाश है, प्रमाण संपल्लव है, लक्षणा की बात है और ज्ञान की उत्पत्ति की बात है, तो वो एक विस्तृत चर्चा है ज्ञान के बारे में। दूसरी जो चर्चा हुई कि जो ज्ञान को हम क्रिया मान लें, ज्ञान को अगर हम क्रिया माने तो क्या मानेंगे, ज्ञान को अगर हम क्रिया मान लें, ये दृष्टि मीमांसा से आती है और ज्ञानम तो मानसी क्रिया। मीमांसा कहते हैं ज्ञान गुण नहीं है, गुण तो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, पर क्रिया अलग होती है और ज्ञान एक क्रिया है। हमारे अंदर जो क्रिया हो रही है, हम जब भी मन में विचार चल रहा है वो हमारा ज्ञान है। हम किसी वस्तु को देख करके, सुन करके, समझ करके, छू करके हम एक दुनिया में रहते हैं और हमें अंदर कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस मानसिक जो हमारे अंदर की जो क्रिया है उसे हम ज्ञान कहें। तो उन्होंने ज्ञान की क्रिया दृष्टि। तीसरे जो लोग हैं जो वेदांत की दृष्टि, बौद्धों की दृष्टि है, उन्होंने ज्ञान को पदार्थ के रूप में माना, ज्ञान ही सत्ता है, ज्ञान ही पदार्थ है और वो ज्ञान जो है वो अंदर है और अंदर कहाँ जा रहा है, अंदर तो वो उसे उस निसीम तत्व तक ले जाते हैं, असीम तत्व तक ले जाते हैं, ब्रह्म तक ले जाते हैं कि ब्रह्म तक वो ज्ञान चला जाएगा। और वो कहते हैं कि ज्ञान के स्तर मान लेते हैं कि तीन स्तर है। ये जो स्तर है, जो न्याय दर्शन की बात कर रहा है, वो स्तर एकदम व्यवहारिक जगत में है, उससे ऊपर प्रातिभाषिक है, प्रातिभाषिक के ऊपर जो है पारमार्थिक जगत जो है, पारमार्थिक जगत में जो ब्रह्म ज्ञान है वो असली ज्ञान है, बाकी ज्ञान नहीं है। कबीर इसको समझाते हैं और कबीर कहते हैं कि भी पोथी पड़ी बड़ी जग मुआ, पंडित भया कोई ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। कि हम लोग ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ लें, पुस्तकों में जो पढ़ रहे हैं ज्ञान पुस्तकों का है, उस पुस्तक को पढ़ पढ़ के लोग मर गए पर कोई ज्ञानी नहीं बना। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, कोई ज्ञानी नहीं बना। और ढाई आखर प्रेम का, और ढाई अक्षर समझ लें तो ढाई अक्षर क्या, प्रेम के से आप समझ लें ब्रह्म को, समझ लें ब्रह्म को समझें तो समस्त ज्ञान का स्रोत है, जिसे हम कहें कि वो प्रकाश है, वो परम प्रकाश है और परम चेतना की जो अनुभूति है वो जो वो ऊपर से आ रही है, अंदर से आ रही है, तो ज्ञान हमारे अंदर से है और अंदर और अंदर ज्ञान ही ज्ञान है। जैसे हमारे शरीर की चार अवस्थाएं हैं, तो चार अवस्थाएं हम शरीर में देखते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया अवस्था। तो जागृत अवस्था में जो ज्ञान है उसमें इंद्रियां काम कर रही होती हैं और इंद्रियों से हमें ज्ञान होता है, और जो जगत हमें दिखता है वो ज्ञान का एक स्तर है जिसमें हम व्यवहारिक जगत में रहते हैं। जैसे हम नींद आती है और स्वप्न में चले गए, तो उस स्वप्न में इंद्रियां सब काम करना बंद कर देती हैं, केवल एक इंद्रिय बसती है मन, और मन से ही हम चीजें देख लेते हैं। ज्ञान में वस्तु का होना जरूरी है, नए आयिकों के अनुसार, कि वस्तु नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा। बस ज्ञान कभी भी बिना वस्तु के हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई वस्तु होगी, कोई कोई विषय होगा, विषयहीन ज्ञान नहीं होता। पर जो स्वप्न है, स्वप्न में जो ज्ञान है वहां विषय नहीं है, और स्वप्न में ट्रेन चलती है, गाड़ी चलती है, सब कुछ चलता है और वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान की जो स्थिति है वो क्या, स्वप्न में आए। स्वप्न के बाद में हम तीसरे ज्ञान की स्थिति में जाते हैं जिसे निद्रा कहते हैं। निद्रा में ज्ञान खत्म हो जाता है, निद्रा में ज्ञान हमारा शून्य हो जाता है। तो ज्ञान की हम तीन अवस्था मान लें, एक में पूरा जगत विद्यमान रहता है जिसे हम जागृत अवस्था कहते हैं। जब स्वप्नावस्था में हम पहुंचते हैं तो एक अलग दुनिया बन जाती है और वो काल्पनिक ज्ञान बनता है, उसमें वो वास्तविक ज्ञान नहीं है, बिना वस्तु के ज्ञान है, तो वो ज्ञान एक अलग है। और तीसरा जो ज्ञान हमारे पास पहुंचता है, जब हम नींद में चले गए, गहरी नींद में चले गए, अब ज्ञान बचा ही नहीं, इसे शून्य ज्ञान कहते हैं। तो योग सूत्र कहता है शून्यालंबन वृत्ति निद्रा, निद्रा जो है ज्ञान में शून्य है,
प्लस जीरो ज्ञान, एक तो हम जीरो ज्ञान है, एक काल्पनिक ज्ञान है और एक व्यवहारिक ज्ञान है। इस ज्ञान से ऊपर जो तुरीय ज्ञान है, तुरीय ज्ञान में जो है क्या बचेगा, उसमें वो कहते हैं कि वो परम सत्ता बचेगी, उसमें आत्मा बचेगी, वो ज्ञान रूप होगी, वो सत रूप होगी और चिद रूप होगी, आनंद रूप होगी। तो जो ब्रह्म के लक्षण है, तो कबीर कह रहे हैं जो ब्रह्म के लक्षण है वो सब उसमें होंगे, वो निर्गुण निराकार असीम और सत्व जो होगा वो हमारी चौथी अवस्था में हमें प्राप्त होता है, बाकी जो ये तीन अवस्थाएं हैं। इसलिए वेदांत ने कहा, उन्होंने कहा कि हम न्याय ने कहा कि हम वेदांत की जो बातें हैं, वेदांत ने जो कहा, न्याय ने जो कहा कि भाई ये बाहरी जगत है, न्याय ने कहा कि ये बाहरी जगत है और इसको मानो, इसके अनुसार ज्ञान को समझो। पर वेदांत और बौद्ध और शैव दार्शनिक और शास्त्र ये कहते हैं अंदर से समझो, ज्ञान के अनुसार सबकी जगत है, क्योंकि जो असली ज्ञान है वो परम ज्ञान है, क्योंकि वो बाधित नहीं होता, अबाधित होता है। काला बाधित सत्य लक्षण, सत्य क्या है, तो कहेंगे कि तीनों काल में जो अखंड ज्ञान है वो अखंड का जो ज्ञान है, अविच्छिन्न जो ज्ञान है वो ज्ञान ब्रह्म का ही होगा, वो ही जो है वो सत्य है, इसलिए हम संसार की बात नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि हम वेदांति कह देते हैं कि हम तो बात ही नहीं करेंगे आपके प्रमाणों की, ज्ञान की, हम जो सांसारिक ज्ञान है, क्योंकि व्यवहार है भट्ट नय है। वो कहते हैं व्यवहार में हम मीमांसाओं का साथ देते हैं पर हम अपनी चिंता नहीं करते और हमें व्यवहार की चिंता भी नहीं है, क्योंकि हमारा ज्ञान, ज्ञान के तीन स्तर हो गए, जो पारमार्थिक ज्ञान है उस ज्ञान में केवल एक परम सत्ता और एक परम प्रकाश ही रहता है और कुछ नहीं रहता। इसलिए वो दृष्टि याज्ञवल्क्य से शुरू हुई, उपनिषदों से शुरू हुई और उस दृष्टि में उन्होंने माना कि उसको जान कैसे सकते हो, विज्ञातारम अरे केन विजानियत, उस विज्ञाता को कैसे जानोगे, हम अपने आप को कैसे जाने, हम अपने आप को जान ही नहीं सकते कि मैं क्या हूँ, ये मैं कैसे बताऊँ कि मैं क्या हूँ। केन उपनिषद में कहते हैं कि देखिए यश्या मतम मतम तस्य मतम तस्य भी जानता, कि जो ये मानता कि मैं अपने आप को जान गया हूँ, मैं आत्मा को जान गया हूँ, ब्रह्म को जान गया हूँ, तो कुछ नहीं जानता, वो कुछ जानता ही नहीं है। और जो कहता कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ वो सब कुछ जानता है, क्योंकि ये जो परम पारमार्थिक ज्ञान है वो हम जान नहीं सकते। क्यों नहीं जान सकते, क्यों नहीं जान सकते, वो अनिर्वचनीय क्यों है, वो इसलिए अनिर्वचनीय है कि वहाँ इंद्रियां नहीं पहुंचती है, क्योंकि उसमें कोई रंग नहीं है, उसमें कोई रूप नहीं है, कोई रस नहीं है, गंध नहीं है, शब्द नहीं है। इसलिए परमात्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का जो ज्ञान है, उस ज्ञान की व्याख्या हम लोग इनसे नहीं कर सकेंगे। जिस ज्ञान को न्याय दर्शन ज्ञान मानता है, उस गुण ज्ञान से काम नहीं चलेगा। हमारा ज्ञान तो स्वयं ही ब्रह्म है और ज्ञान में और ब्रह्म में, वेद में और ब्रह्म में एक अभेद संबंध है। वो शब्द ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म है और परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म कहकर उन्होंने ये मान लिया कि जो परम ज्ञान है वो ज्ञान असली ज्ञान है और उसको जानने के बाद में कुछ बचता ही नहीं है। वेदों में कहते हैं वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमश प्रसाद, की जो आदित्य वर्ण परम पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, वो परम ज्ञान जो है उसको जानने के बाद में कुछ जानने के लिए बचता ही नहीं है, क्योंकि बाद में कुछ रहता ही नहीं है। परम तत्व को जानने के बाद में सभी सांसारिक विषय जो है वो खत्म हो जाते हैं, उनकी कोई सत्ता ही नहीं रहती और वही एक परम सत्ता है, क्योंकि वो त्रिकाला बाधित है। तीनों काल में भूत भविष्य वर्तमान में ब्रह्म का निराकरण नहीं होता, बाकी सभी चीजें देश काल में फंसी हुई है। तो देश में सत्ता जिसकी है, उसकी काल की सत्ता है, तो नित्य सत्ता कैसे हो सकती है, तो नष्ट होगी और बाधित होगी, वो तो ज्ञान हमेशा नहीं रहेगा। तो जो हमेशा रहने वाला ज्ञान है वो वेदांत की दृष्टि का ज्ञान है और हमेशा वही ज्ञान रहेगा, और वो ब्रह्म का से आत्मा का और जीव और आत्मा को संबंध जोड़ करके सभी शाक्तों ने, शैवों ने, वेदांतियों ने, बौद्धों ने, उन्होंने माना है कि ज्ञान जो है वो हमारा इंद्रियों से पता नहीं लगेगा और उसकी दृष्टि हमें अलग देखनी पड़ेगी, और उसके लिए उन्होंने एक अलग दृष्टि और अपनी बताई और उन्होंने समझने की कोशिश की वो कैसा ज्ञान है। तो कहा कि वो निराकार है, निर्गुण है, गुणी नहीं है और बाकी जो संसारिक ज्ञान है वो त्रिगुणात्मक है। तो उन्होंने एक ऐसा भेद डाला और ज्ञान को एक अलग दृष्टि में ले गए, उनका ज्ञान वो सांसारिक ज्ञान नहीं रहा और वो पारमार्थिक दृष्टि में चला गया। न्याय की जो दृष्टि थी, न्याय की दृष्टि थी कि मैं संसार को पहले समझना है, हमारी जो समस्या वो संसार से है, उस परम ज्ञान में क्या है वो बाद का प्रश्न है और उसमें हम अभी नहीं घुसेंगे। पहले हम अपने संसार को सही करें और संसार की ओर हमें चलना चाहिए और हमें युक्ति से चलना चाहिए। तो दो मत हो गए दार्शनिकों में, एक युक्तिवादी हो गए तार्किक से कहते हैं, तो वो युक्ति प्रधान थे, वो कणादीय कैंप था, और नई न्याय वैशेषिक आदि जो थे ये युक्तिवादी थे, और दूसरे जो लोग थे वो स्रोतवादी थे, कि श्रुति जो कहती है, शब्द कहता है, वही प्रमाण है हमारे लिए।
वेदों ने जो कहा उसी को हम प्रमाण मानते हैं। वेदों में जो भी बात कही, उपनिषदों में कही गई, और जो भी हमारे गुरु ने कह दी, उन सभी बातों को हम सत्य मान लेते हैं कि सत्य है, वो पूर्ण सत्य है। इसलिए वो स्वत दार्शनिक कहलाते हैं। दार्शनिकों के दो वर्ग हो गए, एक स्वत दार्शनिक जो श्रुति को प्रमाण मानते हैं और एक युक्ति को मानते हैं। तो पाश्चात्य दृष्टि और भारतीय दृष्टि में न्याय वैशेषिक दृष्टि जो है, ये दृष्टि और जैन दृष्टि भी है, और ये सब दृष्टियां जो है वो एक तरह से ज्ञान को ये मानते हैं कि ज्ञान जो है हमें इंद्रियों से होता है। और ज्ञान हमें, ज्ञान होता क्या, तो हमारे अंदर एक परिणाम है। ज्ञान जो है हमारे अंदर हमें दिखता है, जैसे मैं कोई चीज देखता हूँ तो उसका एक बिंब हमारे अंदर बनता है, उसका प्रभाव पड़ता है। कि बच्चा जिस तरह किसी चीज को देख रहा है तो उसके दिल में एक प्रभाव पड़ता है, और उसे हम उसे ज्ञान कह रहे हैं। यहाँ का जो ज्ञान है वो ज्ञान एक तरह से पारमार्थिक ज्ञान नहीं है, और वो ज्ञान सांसारिक ज्ञान है। और इस तरह इन दोनों में दो अलग अलग दृष्टियां बाद में पल्लवित हो गई, और दो दृष्टियां अलग अलग पल्लवित हो गई। और इस अलग अलग दृष्टि पल्लवित होने से एक तरफ हम उस ओर चले गए कि जिस तरह परम सत्ता है, और दूसरी ओर जो है हम उस ओर चले गए कि जहाँ संसार है, बीच में मैं हूँ, और मैं इन संसार को और उनको जोड़ रहा हूँ, कि इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ। और इन दोनों को जोड़ने के लिए मुझे कुछ बातें इसमें जोड़नी पड़ी, कि हमें ज्ञान का स्वरूप समझने के लिए हमें इन दोनों दृष्टियों को समझना पड़ेगा। कि जो दृष्टि है जिसको हम यथार्थवादी दृष्टि कहते हैं, तो पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि और न्याय वैशेषिक की दृष्टि यथार्थवादी दृष्टि है, और वो ये मानते हैं कि जब भी ज्ञान होगा ये प्रश्न उठेगा, सही ज्ञान या गलत ज्ञान, प्रमाण की बात उठेगी, हमने जो जाना वो सही है कि नहीं, वो जिस तरह हमने समझा वो है कि नहीं, तद्वती तत्प्रकारक है कि नहीं, यानी जैसा दिखता है वैसा समझा कि नहीं। तो जितने भी पाश्चात्य दृष्टि के प्रश्न है वो सब यथार्थ दृष्टि को मुख्यतः मूल बनाते हैं, कि हमें यथार्थ दृष्टि लेनी पड़ेगी, और यथार्थ ज्ञान क्या है, तो साथ में अज्ञान भी क्या आएगा। अब सांख्य की दृष्टि एक और दृष्टि रह गई, कि सांख्य दर्शन जो मानता है कि त्रिगुणात्मक है, ये जगत जो है त्रिगुणात्मक है और पुरुष निर्गुणात्मक है। तो इसमें जो त्रिगुण है, इन त्रिगुण गुणों में एक तो सत्वगुण है और एक तमोगुण है। सत्वगुण का अर्थ प्रकाश और तमोगुण का अर्थ अंधकार है। तो अर्थात हमारे अंदर जितना ज्ञान है उतना ही हमारे अंदर अज्ञान भी भरा हुआ है। हम ऐसा नहीं है कि हम केवल ज्ञानी हैं, हम अपने आप को ज्ञानी समझने का हर आदमी सोचता है कि मैं ज्ञानी हूँ, पर वस्तुतः वो ज्ञानी नहीं। जितना वो ज्ञानी होगा उतना ही उसमें तम गुण भी होगा। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति तमोगुण से हीन होगा। तो तम का अर्थ अंधकार। हमारे अंदर दोनों गुण है, सत्वगुण भी हमारे अंदर है और तमोगुण भी है। संसार के जितने भी जीव हैं उनका ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होगा। वो जो भी कुछ लिख के चले जाएं, जो भी कुछ मान के चले जाएं, वो पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तमोगुण रहेगा ही। तो तमोगुण जो रहेगा, और इस तमोगुण को जब तक हम खत्म करें, तो खत्म अगर हो जाए तो परमात्मा हो जाता है। तो वास्तविक ज्ञान तभी होगा जब हम तमोगुण जो है और उसके अनुसार जो तमोगुण जो है वो ज्ञान भी हमें एक तरह से अंधकार है और वो बाधक है, और एक तरह सतोगुण है वो प्रकाशक है। दो गुणों की जो दृष्टियां हैं, सतोगुण और तमोगुण, इन तीनों जब दोनों गुण से मनुष्य बना है, जीव बने हैं, जिनका जितना भी ज्ञान है वो गलत भी होगा सही भी होगा। तो हम परमाणु की चर्चा करेंगे, और परमाणु में हम देखते हैं कि भाई जो प्रमाण है वो उनका प्रमाणित करते हैं कि ये ज्ञान सही है और ये गलत है। जब सही ज्ञान होता है तो हम उसको प्रमा कहते हैं, और गलत ज्ञान होता है अप्रमा कहते हैं, यथार्थ ज्ञान। और ज्ञान के दो भेद हुए इस तरह से, एक तो ज्ञान वो ज्ञान जो हमें स्मृति से मिला, दूसरा अनुभव से मिला। इंद्रियों के द्वारा जो मिलता है ज्ञान वो हम सीखते हैं और बाहर से लेते हैं। जगत में हम जो भी कुछ देख रहे हैं, हमने अपनी जिंदगी में जो देखा है वो एक तरह से हमारा अनुभव है, और उस अनुभव को हमने अंदर ले गए और वो ज्ञान हमें बाहर से लिया जा रहा है। इन दोनों दृष्टियों का जब हम समन्वय करते हैं तो हमें एक तो ज्ञान बाहर से मिल रहा है, बाहरी जगत से हमें ज्ञान मिल रहा है, और हम उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं, वो एक तरह का गुणात्मक ज्ञान है। जिसको हम गुण कह रहे हैं वो गुण कोटि का ज्ञान है। कुछ ज्ञान जो है हमारे अंदर पहले से ही है, खाली उनका परिष्कार होता है, तो उसे वो कहते हैं कि एक सहज ज्ञान है, परम ज्ञान है, जिसके कारण हम ज्ञाता बनते हैं, ज्ञेय बनते हैं। और ज्ञाता ज्ञेय और मीमांसा से कहता है कि ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, इन तीनों हमारे अंदर जो है वो जो ज्ञान है वो तीनों हमारे अंदर है, और वो जो तीनों हमारे अंदर है उनकी त्रिपुटी है। तो मीमांसा की दृष्टि, इन सभी दृष्टियों का जब समन्वय करें, कि हम सोचते हैं कि ये जो दृष्टियां हैं
इन दृष्टियों में हमें सबसे कुछ मिलता है कि न्याय की दृष्टि देखें तो गलत नहीं है। तो एक बड़े दार्शनिक हुए कांट, उन्होंने सभी पाश्चात्य दृष्टि के जितने भेद थे उन्होंने सबका एक तरह से इंद्रियानुभववाद का और बुद्धिवाद का उन दोनों का उन्होंने समन्वय किया और समन्वय करके बताया कि कुछ इसमें सही है कुछ उसमें सही है। यानी हम ये सोचते हैं कि अगर जगत की बात कर रहे हैं जगत की व्याख्या कर रहे हैं जगत की व्याख्या कर रहे हैं तो हमें न्याय दृष्टि के शरण में जाना पड़ेगा कि न्याय वैशेषिक दर्शन जो है वो जगत को द्रव्य के रूप में गुण के रूप में और एक तरह से समझा रहे हैं वो ज्यादा उनका सही है। पर जब हम परम तत्व की ओर जाएंगे और हम हमारी दृष्टि जो है वो एक अंतर्मुखी हो जाएगी, हमारा बहिर्जगत और अंतर्मुखी जगत दो अलग जगत हो गए। तो हम बहिर्जगत की ओर जब जा रहे हैं तो हमें न्याय दृष्टि को हमें लगता है कि उन्होंने प्रमाणों की बड़ी चर्चा की और उससे उन्होंने इस चीज को आगे फैलाया। और दूसरा जब अंतर जगत की ओर आते हैं तो अंतर जगत की जब आते हैं तो सांख्य से शुरू हुई और जैसा अस्तोष इसमें दिखा भी रहे हैं कि इसमें माया कला विद्या राग काल नीति और ये जो चीजें हैं तो उन्होंने जब शैव दार्शनिकों ने इसका विवेचन किया, बड़ा शानदार विवेचन शैव दार्शनिकों ने इनको किया कि हमारे अंदर जो है जो पुरुष तत्व है उसको हम कैसे समझें। तो उन्होंने कहा कि 36 तत्व हैं, 24 तत्व जगत की व्याख्या के लिए हैं तो सांख्य की दृष्टि मान लेते हैं और 12 तत्व जो है वो हमारे अंतर की यात्रा है उस परम तत्व की ओर जाने की यात्रा है। उसमें जीव और शिव दो चीजें हैं, जीव में जो है माया कला विद्या राग काल ये सब रहते हैं, पंचुक है और उसके ऊपर जो उसकी जो दृष्टि है उसके बाद में जो है उसके अंदर और जो चीजें हैं और उसको वो करते हैं शिव शक्ति और शुद्ध विद्या आदि पदार्थ जो है ऊपर की दृष्टि है। तो इस तरह से हमें एक दृष्टि बनानी होगी कि हमारी दृष्टि एक समन्वित दृष्टि बने और हमें सबसे लेना पड़ेगा कि हर दर्शन से हमें ग्रहण करना पड़ेगा कि हम किस दर्शन से क्या लें और हमें क्या सीखें। पाश्चात्य दृष्टि भी एक तरह से सम्मानीय दृष्टि है, हम उसका विरोध नहीं करते और वो एकदम वैज्ञानिक दृष्टि है। उन्होंने जो भी अपना चिंतन किया जो शिवानी जी ने हमने सामने रखा वो बहुत ही उत्तम चिंतन था, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार से उस चिंतन को रखा और रखने के बाद में उन्होंने समझाया और उन्होंने पूरी दृष्टि को प्लेटो से लेकर के सपना से लेकर के ग्रीक फिलोसफी से लेकर के संशय और उनकी जो निवृत्ति और उन्होंने एक सामने रखा कि एक तुम्हारा वैज्ञानिक तरीका क्या है और उन स्रोतों को उन्होंने समझाया। पाश्चात्य दृष्टि है, पाश्चात्य दृष्टि सम्माननीय है और हमारी जो दृष्टि न्याय विशेषी की दृष्टि जो है कणादीय दृष्टि जो हम कहते हैं वो भी ज्ञान की व्याख्या करती है। ज्ञान को स्मृति अनुभव प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और प्रमाण के रूप में उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे न्याय विशेषी परंपरा ने और बड़े बड़े ग्रंथों के द्वारा उस चीज को समझाया है कि ज्ञान है क्या और उन्होंने ज्ञान को गुण के रूप में व्याख्या की। ज्ञान एक गुण है, उस गुण में हम उस विषय का ज्ञान करते हैं और ज्ञान हमारे अंदर आत्मा के अंदर होता है, आत्मा के अलावा किसी में ज्ञान नहीं है। जितने भी द्रव्य हैं उन द्रव्य में केवल आत्मा द्रव्य जो है इसमें ज्ञान नाम का गुण रहता है, इसलिए हम ज्ञानी को आत्मा कहते हैं और आत्मा में ज्ञान गुण रहता है। ये एक दृष्टि का इनका समन्वय में समझ लें। और बाकी जो दृष्टियां हैं वो कहते हैं ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान आत्मा का गुण नहीं है, वो स्वयं ज्ञान जो है वो ही प्रकाश है। उस प्रकाश से हम जो तीसरी चीज बताते हैं विमर्श पर, तो विमर्श जो है वो क्रिया रूप है और विमर्श जो है प्रकाश की क्रिया, प्रकाश का जो प्रभाव है जैसे सूर्य है और सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है और उस प्रकाश से भी प्रकाश होता है। प्रकाश जो किरणें हैं, सूर्य अलग है किरणें अलग है और किरणों से भी जो किरणें आती है चंद्रमा की ओर घूम के आती हैं वो किरणें, तो हमें एक प्रकाश से एक प्रकाश और मिलता है तो उसकी क्रिया रूप है। ज्ञान के तीन रूप हम मान लें मुख्यतः, एक ज्ञान जो है वो द्रव्य रूप है परमात्मा रूप है, एक दृष्टि में ज्ञान क्रिया रूप है जो मीमांसा और शास्त्रों ने बड़ी इसकी बात की उसको विमर्श माना उन्होंने, और तीसरा जो रूप है वो ज्ञान एक गुण है। उस गुण रूप में हम ज्ञान से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, लोगों से सीखते हैं कि हम सीख रहे हैं और हमें ज्ञान दिया जाता है तो हम ज्ञान, क्योंकि पाश्चात्य दृष्टि में भी लास्ट में उन्होंने माना कांट ने कि भी दोनों तरह से हमें ज्ञान मिलता है, हमें बाहर से भी ज्ञान मिलता है और हमारे अंदर भी ज्ञान होता है। इंद्रियां जो है वो बाहर से ज्ञान ग्रहण करती हैं और अंदर हमारे क्या बुद्धि है वो बुद्धि उस ज्ञान को सुव्यवस्थित करती है। बुद्धि भी बुद्धि से बहुत से निर्णय करते हैं, बुद्धि और ज्ञान में भेद किया उन्होंने कि बुद्धि जो है आंतरिक जो ज्ञान है वो हमें ये बताएगा ये चीज एक है। एकता का ज्ञान कैसे होगा, कहीं एक तो लिखा हुआ ही नहीं है, हम पूरी एक बिल्डिंग का चक्कर लगाते हैं और फिर सबको जोड़ लेते हैं तो जोड़ने का कौन कर रहा है, इंद्रियां केवल एक तरह से कैमरा है। हम ये माने कि इंद्रियां और कैमरा एक जैसा है, मोबाइल में अपने घर के आगे कैमरा लगा दिया, अब जो भी कुछ हो रहा है वो आपको ग्रहण कर रहा है। तो इंद्रियां ज्ञान का एक साधन है, उससे हम ज्ञान बाहरी दुनिया से लेते रहते हैं, पर उस ज्ञान में क्या उसका मतलब है, कौन या चोर है कौन डाकू है ये
कैमरा नहीं बताएगा, आपको सोचना पड़ेगा, एक विज्ञानी को पढ़ना पड़ता है। मशीनों में भी ज्ञान पैदा कर दिया गया। पहले मानते थे कि ज्ञान केवल प्रकृति में क्रिया हो सकती है, ज्ञान नहीं होता है। और आज मोबाइल फोन में हम देख रहे हैं ज्ञान है, गूगल में हम जो सर्च कर रहे हैं तो उस सर्च में हमें जो प्रश्न आप दे रहे हैं उत्तर मशीन ही दे रही है, आदमी नहीं दे रहा है। इसलिए ज्ञान एक मशीन में भी आ सकता है, कृत्रिम ज्ञान आ सकता है। तो एक दोनों दृष्टियां हैं जिनका हमें समन्वय करना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि समय कुछ ज्यादा हो रहा है और ताकि चर्चा के लिए भी समय रहे, तो इसलिए मैं और बहुत धन्यवाद आपको जी का जिन्होंने मुझे अवसर दिया, और आप सबका सबको नमन। इसी साथ में वाणी को भी विराम करता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, धन्यवाद तो आपका है, आपने पूरी भारतीय पक्ष की जो परंपरा है वो हमारे सामने रखी है। डॉक्टर शिवानी ने उधर पाश्चात्य की, हमारे सामने दोनों ही दृष्टियां उपस्थित हुई हैं। अब ये हमारे पे निर्भर करता है कि हम इन दोनों दृष्टियों को समाहित करने में कितने सक्षम हैं, इन दोनों दृष्टियों का संघट हमारे भीतर कैसे होगा, ये कन्फ्यूजन पैदा करेंगी या हमारे में समन्वय पैदा करेंगी, ये बात अब हमारे पे निर्भर करती है। आपने जो कुछ बातें कही हैं उसमें बहुत गहरी और बहुत ज़्यादा प्रबुद्ध लोगों के योग्य हैं वो बातें, और मुझे लगता है कि एक एक बात के ऊपर अभी तो एक एक सेशन अपेक्षित है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि ये जो स्लाइड आप लोग देख रहे हैं, इससे पहले कि मैं प्रश्नोत्तर की ओर अग्रसर हूँ और बाकी बात करूँ आपसे, इसमें केवल दो एक बातें देख लीजिए। डॉक्टर साहब ने वैसे नाम लिया था कि ज्ञान की ये तीन स्थितियां आपको सामान्य रूप से दिखाई देंगी। एक होती है इदम अहम वाली, कि आप वस्तु से अपने को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो एक ज्ञान की स्थिति है। और दूसरा, वस्तु आपके साथ आइडेंटिफाइड हो जाती है तो वो भी आपकी एक ज्ञान की स्थिति है। तीसरी जो स्थिति है जिसके लिए सारे का सारा प्रयास है वो है अहम अहम इदम इदम, कि मैं हूँ और वस्तु वस्तु है। ये एक ज्ञान के तीन पक्ष हैं जिसको हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए, और संभव होगा तो फिर अगले किसी सत्र में बात करेंगे। दूसरा, मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ज्ञान के चार ये विभिन्न क्या कहेंगे, इनको स्तर तो नहीं कहेंगे, स्तर कह लीजिए समझने के लिए, लेकिन ये चार दृष्टिकोण हैं, आज्ञान, संज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान। तो ज्ञान के ये चार पक्ष हैं, इन चार पक्षों से हमें ज्ञान की एक पूर्णता का बोध हो सकता है। ये चारों के चारों टेक्निकल टर्म्स हैं, इनकी व्यापक हमें अपेक्षा है व्याख्या की। एक बात और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, नीचे स्लाइड की ओर देखिए कि यहां पर जो प्रमाता है, जो नोअर है, उसकी सात कैटेगरीज है। सात कैटेगरीज में सकल, प्रलयाकल, ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं। हालांकि मैं इनके बारे में पूरी तरह, मुझे ज्ञान नहीं है, इनके सूचनाएं नहीं है, लेकिन ये है कि ये सात कैटेगरीज ऑफ नोअर हैं जिसके बारे में हमने आज ज्यादा बात नहीं की है। तो उनके ज्ञानों के स्तर क्या हैं और उनमें ज्ञान का स्वरूप क्या रहता है, उस पर भी कभी हम गहरे से चर्चा करेंगे। और अंतिम बात कहकर के मैं प्रश्नोत्तर की ओर अग्रसर होऊंगा इस सत्र में, क्योंकि समय हो रहा है इसलिए हम संक्षिप्त सा प्रश्नोत्तर काल रखेंगे। ये जो इधर आप स्लाइड में वाई एक्सिस पे देख रहे हैं, माया, कला, विद्या, राग, इनका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअलिटी क्या है, हमारी जो इंडिविजुअलिटी की लिमिटेशंस हैं, क्रिएटिविटी की लिमिटेशंस हैं, नोइंग की लिमिटेशन है, नॉलेज की लिमिटेशंस हैं, अटैचमेंट की लिमिटेशंस हैं, टाइम की लिमिटेशन है और स्पेस की लिमिटेशंस हैं। इन सब के बीच में जिस ज्ञान को हम जानने की बात कर रहे हैं वो कितना जान पाएंगे, और ये बात मैं केवल आप लोगों के ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता था, क्योंकि वेबिनार का फायदा तभी है जब आप उत्तरों से ज्यादा प्रश्न लेकर के जाएं और कुछ ना कुछ आप चिंतन और उसमें रहें, तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया बात ही कोई नहीं हो सकती। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के प्रश्न, संक्षिप्त और सटीक प्रश्न या कोई टिप्पणी अगर आपकी हो तो मैं उसे आमंत्रित करना चाहूंगा, और किसी का कोई भी प्रश्न हो तो वो सादर आमंत्रित है। तो हमारे विद्वान वक्ता इस विषय में डॉक्टर आर के गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सच तो ये है कि इतना अच्छा वक्तव्य दोनों हुए हैं,
जिन्होंने अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न की हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ये आभास दिलाया है कि इस विषय पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाकर कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है, तो इसमें भगवद गीता में ये कहा गया कि तत्व को न जानकर अभ्यास किए से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। तो और वहां तो बहुत कुछ कहा गया है, तो भगवद गीता के पॉइंट ऑफ व्यू यदि मैं कहूँ तो ज्ञान जो है हमें अपने इंद्रियों को जीतने के बारे में कहता है, और कर्म फल का त्याग है। क्योंकि जो एक अंतर मैं कर रहा हूँ पाश्चात्य उसमें एक अंतर क्या कि जो मैं समझाऊँ एक प्राध्यापक के रूप में अधिक, और आज मुझे लगता है कि हमने तो केवल ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान को तो समझा ही नहीं, बल्कि हमने तो केवल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया और आगे विद्यार्थियों को सौंप दिया, जिसे हम नॉलेज कह देते हैं, जो कि वास्तव में इंफॉर्मेशन है। वास्तव में के रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज जो है वहां पर शब्द आता है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जैसे अप्लाइड साइंसेज, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, जबकि मैं समझता हूँ कि भारतीय परंपरा जो है वो है रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज। ये जो एप्लीकेशन और रियलाइजेशन के बीच का अंतर है, यही दोनों विचारधाराओं के बीच अंतर कर रहा है, और जी जिसको हमें समझना होगा। जी बहुत संक्षिप्त मेरी ये थोड़ा सा सबमिशन है। जी सर, बिल्कुल ठीक बात है कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज, ये सुंदर आपने एस्पेक्ट हमारे सामने रखे हैं। बल्कि आपकी इस बात से मुझे दो कहानियां एक एक पंक्ति की ध्यान आ गई हैं, और उसके बाद मैं डॉक्टर आभा खेत्रपाल जी की को आमंत्रित करूंगा टिप्पणी के लिए, और फिर हम समापन की ओर अग्रसर होंगे। एक कहानी तो ये कि जैसे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर आर के गुप्ता जी ने अभी प्रश्न उठाया कि ज्ञान क्या है, तो एक जो उत्तर मुझे मिला वो उत्तर ये मिला कि जब भूख लगे तो खाना खा लो और जब थक जाओ तो सो जाओ, ये ही ज्ञान है। जी तो एक पंक्ति में तो यही ज्ञान है। और ये वस्तुतः ये सही है, इसको खंडित हम इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरी एक कहानी एक पंक्ति की और है कि एक साधक था, उसे गुरु ने घोषित कर दिया कि उसे ज्ञान सिद्ध हो गया और सारे लोगों में खुशी का वातावरण आ गया, और उन्होंने उस साधक से पूछा कि ध्यान सिद्ध होने के बाद अब मुक्ति का अनुभव कैसा लगता है। तो प्रश्न क्या है लोगों का, अब यही अंतर मैं चाहता हूं जिसकी ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कि लोगों ने उससे पूछा कि ध्यान सिद्ध होने के बाद मुक्ति का अनुभव कैसा है, और उस साधक का उत्तर क्या था कि पहले मैं मुक्ति के आनंद की कल्पना में डूबा रहता था, पर अब मुझे संसार भर के कष्टों और तकलीफों का निरंतर ध्यान है। आप मुझे बताएं कि इसमें से ज्ञान कौन सा है, ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है जो वेस्ट में जो हमें अरिस्टोटल और ये सारे नीचे और ये सारे लोगों की ज्ञान की परंपरा है, या ये वेदांत के ज्ञान की परंपरा जिसे हम कह रहे थे डॉक्टर साहब, इन दोनों के बीच में से ज्ञान कौन सा है। मैं एक बार उसका उत्तर दोहरा करके मैं डॉक्टर आभा खेत्रपाल जी को टिप्पणी के लिए आमंत्रित करूंगा, और फिर उसके बाद हम अगर कोई प्रश्न होगा तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन जो है वो संजीव घारू जी करेंगे। उसने उत्तर क्या दिया कि पहले मैं मुक्ति के आनंद की कल्पना में डूबा रहता था, पर अब मुझे संसार भर के कष्टों और तकलीफों का निरंतर ध्यान है, ये सिद्धता हासिल हुई, ये ज्ञान की उपलब्धि हुई। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर आभा खेत्रपाल जी को, जो प्रिंसिपल है डीवी डीवी कॉलेज फॉर गर्ल्स यमुनानगर की। तो एक संक्षिप्त सी टिप्पणी उनसे भी मैं चाहूंगा, और फिर उसके बाद अगर कोई प्रश्न होगा तो ठीक, नहीं तो हम धन्यवाद ज्ञापन की ओर चलेंगे। मैडम आभा जी, मैडम आप सुन पा रहे हैं? मैडम आभा जी, यू हैव टू अनम्यूट योर सेल्फ। मैडम आभा, चलिए वो अभी मुझे लगता है हमारी बात नहीं उन तक पहुंच रही है। यदि किसी और की कोई प्रश्न या कोई संक्षिप्त सी टिप्पणी है तो वो आप
जल्दी से कर लें, और उसके बाद मैं संजीव घारू जी जो डायरेक्टर हैं उनको मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करूंगा। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर रोहतास जमदग्नी। जी रोहतास जी, मैं सर अपना विचार रखना चाहता हूँ, अनुमति प्रदान करें। सर अनुमति वाली बात नहीं, ज्ञान में अनुमति कहेगी। चलिए ठीक है सर। सबसे पहले तो मैं सभी को सादर प्रणाम करते हुए अपना विचार रखना चाह रहा हूँ। मैं पाश्चात्य दृष्टिकोण से और भारतीय दृष्टिकोण से अगर कालखंडों के हिसाब से ज्ञान को देखना चाहता हूँ तो मुझे अलग अलग कालखंडों में अलग अलग दर्शनों का अलग अलग मूल्य मिलता है। प्राचीन काल में पाश्चात्य जगत को देखूं तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और मध्यम काल में देखूं तो एम्ब्रोस, अगस्टाइन, एक्विनास, दांते, पेडुआ, आधुनिक काल में देखूं तो मैकाउली से लेकर डॉक्टर अंगिरस जी, डॉक्टर आर के गुप्ता जी, डॉक्टर राजेंद्र जी, डॉक्टर शिवानी जी तक आता हूँ। तो मैं उस ज्ञान को अगर यहाँ भारतीय परंपरा के अनुसार देखता हूँ, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में, मुझे लगता है कि कालखंड के अनुसार ज्ञान का कुछ स्वरूप बदलता रहता है। मैं इस निष्कर्ष पर सभी वक्ताओं को सुनकर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन अंतिमतः मैं सुकरात के एक वाक्य को सार्वभौमिक, सार्वकालिक, लौकिक और सार्वकालिक मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि ज्ञान तय सिद्धांत में से ब्रह्म वास्तविक ज्ञान जो आता है वही असली ज्ञान है, जो डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी ने बीच बीच में बताया है। यह मेरे मन में विचार आया सर, ये मैंने बताया जी। आपने सुना सर, भी ने सुना, धन्यवाद सर, नमस्ते। धन्यवाद डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ कि एक एक पंक्ति में अगर टिप्पणी हमारे दोनों विद्वान वक्ता अगर कुछ करना चाहें तो पहले मैं शिवानी जी से अगर कोई एक टिप्पणी। मैं यही कहना चाहूंगी कि ज्ञान को हम लोग जब देखते हैं तो वेस्टर्न ट्रेडिशन और ईस्टर्न ट्रेडिशन में यूसेज में फर्क आता है। उनके जो यूसेज ऑफ द टर्म नॉलेज है, वो जब नॉलेज का प्रयोग करते हैं तो वो एपिस्टेमी की बात करते हैं और ऐसे व्यवहारिक ज्ञान की ही बात करते हैं। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जबकि हम भारतीय परंपरा के क्षेत्र में हम नॉलेज को देखते हैं, वहाँ ज्ञान और प्रमा ये दो चीजें, वैसे तो बुद्धि भी यूज की जाती है, न्याय करता है ज्ञान, प्रमा, बुद्धि, लेकिन मुझे लगता है कि मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी को जब हम कंफ्यूज करते हैं, तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा को जब हम कंफ्यूज करके देखने लगते हैं तो अक्सर ये समस्याएं उठती हैं कि हमारे यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान जो है उसकी, वो बिल्कुल ठीक बात है, वो वहां पर भी है, वहां पे भी मेटाफिजिक्स है। मैंने अपने पहले ही लेक्चर में कहा था, शुरू में ही लेक्चर के, कि हम जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड और मैन्स जो मैन की जो कई स्तर हैं, तो मैन का जो एक स्तर जो नॉलेज का होता है वो एपिस्टमी एक व्यवहारिक ज्ञान की बात करता है, जो न्याय, जो राजेंद्र सर ने भी बात की थी कि न्याय का जो अप्रोच है वो बिल्कुल उसी तरह की व्यवहारिक है उस कंटेक्स्ट में। तो मुझे लगता है कि जब हम आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं वो एक बिल्कुल अलग क्षेत्र है, लेकिन जब हम फिलॉसफी की, एपिस्टेमोलॉजी की, नॉलेज के लेवल पे बात करते हैं वो रूल्स की बात करते हैं, एक ऐसे ज्ञान की बात करते हैं जिसमें आप दूसरे को भी समझा सको, दूसरे के लिए भी आप एक डिस्कोर्स दे सको। तो इस चीज को मुझे लगता है ध्यान में रखना चाहिए। जी धन्यवाद। प्रोफेसर राजेंद्र जी, एक बहुत संक्षिप्त सी टिप्पणी आपकी और फिर हम समापन की ओर चलेंगे। हाँ, आपने यहाँ दो प्रश्न किए गए। गुप्ता जी ने जो प्रश्न किया कि उनकी दृष्टि में एप्लीकेशन ज्यादा है, ऐसा नहीं, भारतीय दृष्टि में भी ऐसा ही है कि पतंजलि महाभाष्य में लिखते हैं कि जो ज्ञान है उसके हम चार रूप हैं। एक तो हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम जो है उसमें हम ज्ञान को अध्ययन के रूप में लेते हैं, अतीत काल कहलाता है। चतुर्भी प्रकार विद्योपयुक्ता होती आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, व्यवहार कालेन और प्रवचन कालेन है। पूरी जिंदगी में हम ज्ञान के चार हमें के स्टेप हैं। पहले स्टेप में हम खाली ज्ञान को गुरु से ग्रहित करते हैं, उसे हम ब्रह्मचर्य अवस्था करते हैं। जब दूसरे अवस्था में हम स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय काल कहते हैं वो ज्ञान, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया उस ज्ञान को हम समझें, उसका हमें बोध हो, उस पर हम विचार करें
कि ज्ञान सही था या गलत था, उसमें हम परीक्षा करें और प्रश्न लगाएं कि हमने जो पढ़ा है वो सही भी है कि नहीं पढ़ा। तो उसे वाच्यायन कहते हैं कि शास्त्र जो है तीन तरह के चलती है, त्रिविधा शास्त्र, शास्त्र से प्रवृत्ति, उद्देश्य लक्षण परीक्षा से, कि शास्त्र केवल ज्ञान नहीं है वो लक्षण ही नहीं है, लक्षण के बाद में उसकी परीक्षा भी करता है। तो एक हमें परीक्षा दृष्टि, ये दृष्टि हमारी कम हो गई, हमने परीक्षा करना बंद कर दिया लगभग, तो एक ज्ञान को हम परीक्षा करें वो हमारा ग्रस्त धर्म का पालन होता है। तीसरी जो दृष्टि है कि ज्ञान जो आपने देख लिया और जिसकी परीक्षा कर ली और उसको समझ लिया, बोध हो गया, यानी ज्ञान प्राप्त करना एक, ज्ञान को समझना दो, और तीसरा आप ज्ञान पर आप व्यवहार करें। जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है जवानी तक, अब तीसरी अवस्था में आ गए, वानप्रस्थ में आ गए, उस ज्ञान का प्रयोग करें और उसको आचरण में लाएं कि आपने जो जाना है, जो समझा है, उसका आचरण भी तो करें। तो तीसरी दृष्टि वहां शुरू होती है, और चौथी जो दृष्टि है ज्ञान की वो अंतिम दृष्टि है जिसमें ज्ञान को हम प्रवचन करते हैं। व्यक्ति तभी बोल सकता है जिसने इन तीनों को पालन कर लिया है। ज्ञान को प्राप्त करना अलग है, ज्ञान को समझना अलग है, ज्ञान का प्रयोग करना अलग है, और चौथी जो दृष्टि है ज्ञान पर वो बोलना, संन्यास आश्रम जो है, चौथा जो आश्रम है उसमें ज्ञान में हम जो चौथी अवस्था में जो लोग पहुंच जाते हैं ज्ञान पर अपना व्याख्यान दे सकते हैं। ऐसा नहीं, दोनों दृष्टियों में, पाश्चात्य दृष्टि में, भारतीय दृष्टि में ज्ञान के सभी प्रयोग हैं, पर उनको हमने उस तरह से चर्चा नहीं की, उनका एक सुव्यवस्थित विज्ञान नहीं बनाया, वो अलग अलग दर्शनों में अलग अलग रूप में बिखरे हुए हैं। पाश्चात्य दृष्टि में जो भी ज्ञान है उनको एक उन्होंने सिस्टमेटिक और पद्धति मूलक तरीके से उसको इकट्ठा कर लिया और उससे उनकी चर्चा सुव्यवस्थित होगी। भारतीय दृष्टि में ये जो है अलग तरह से मिला हुआ है, पर ये चारों हम ज्ञान के जो भेद हैं, अधीप, बोध, आचरण और प्रचारण, ये चारों बोध को हम लोग स्वीकार करते हैं ये। और इसलिए ज्ञान जो है वो सर्वोच्च चीज है, पर ज्ञान के साथ, ज्ञान बिना क्रिया के नहीं होगा, ज्ञान और क्रिया में अभिन्न संबंध है। और कोई भी ज्ञानी होगा वो सब कुछ करे, तो गीता में भगवान कहते हैं यज्ञ, तप और दान, इनको कभी किसी अवस्था में भी आप छोड़ नहीं सकते। यज्ञ, तप और दान, चाहे कितना भी बड़ा त्यागी हो, संसार को छोड़ चुका हो, ब्रह्मज्ञानी हो गया, पर यज्ञ तप दान ये न त्याज्य मनीषी भी, मनीषी लोग नहीं छोड़ें। और वो ज्ञान की जो साधना है वो ज्ञान की साधना भी है, पर साथ में कर्म की साधना भी है, और दोनों साधना का मिलकर के समन्वय होगा और इसमें भविष्य में होगा। और बाकी जो ज्ञान जो है उसके विविध आयाम, हर पुस्तक एक ज्ञान, हर वक्ता एक ज्ञान, हर व्यक्ति ज्ञानी है और उस ज्ञान की असीम सीमाएं हैं, हमें इन सब का समन्वय करना चाहिए। इसी साथ में आप जी, बीच में हमें एक टिप्पणी भी प्राप्त हुई, वैसे कई टिप्पणियां हुई थी, लेकिन एक टिप्पणी प्राप्त हुई है कि ज्ञान शब्द का प्रयोग ना करके हमें प्रमा शब्द का प्रयोग करना चाहिए, तो लेकिन उसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री संजीव घारू जी को, जो डायरेक्टर हैं महर्षि वाल्मीकि रिसर्च काउंसिल के, कि वो हमारे वक्ताओं का और हमारे सभी जो सम्मानित प्रतिभागी हैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। और ये जो फीडबैक लिंक है रजिस्ट्रेशन और आपके सर्टिफिकेट के लिए, वो डाल दिया गया था, पीयूष जी ने उसको कर दिया है, तो उसको आप भर सकते हैं, लेकिन बाहर किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा कि यहाँ पर 90 पार्टिसिपेंट हैं और जब हम सर्टिफिकेट इशू करने लगे तो 190 हो जाए, तो कृपया ऐसा ना करिएगा हमारे साथ। जी संजीव जी, संजीव जी सुन पा रहे हैं? संजीव घारू जी, सर मैंने आपको अनम्यूट किया है। संजीव जी संजीव जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? संजीव जी मुझे लगता है कि उनकी भी आवाज हमारे तक नहीं आ रही। मुझे लगता है कि मुझे ही ये दायित्व भी पूरा करना है, तो सबसे पहले तो मैं श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने धैर्य पूर्वक इन सब बातों को सुना, क्योंकि ये विषय बड़ा भारी विषय था, लेकिन इसमें प्रशंसा की बात यह है कि दोनों ही हमारे वक्ताओं ने उसको बड़े सहज और सुखद रूप में हमारे साथ साझा किया है और हमारे ज्ञान का विस्तार भी किया है और ज्ञान के साथ साथ दृष्टि का विस्तार भी किया है। अब ये एक अलग बात है कि भाषा और ज्ञान के संबंधों को हम कैसे समझें, क्योंकि भाषा अल्टीमेटली आपको आनी कहाँ से है, भाषा से आनी है, ज्ञान आपको भाषा से उपलब्ध होना है,
और चाहे वो आप गुरु के माध्यम से लें, चाहे कि प्रतीकों के माध्यम से लें, या स्वात्म ज्ञान अनुभव जिसे है, वो भाषा वहां पर एक नितांत आवश्यक तत्व विद्यमान है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ कि हम दोबारा भाषा और ज्ञान के संबंधों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित जल्दी होंगे, तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों के सहयोग से ही ये वेबिनार संभव हो पाया है, और अपने दोनों ही विद्वान वक्ताओं पर, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जिस तरह से विस्तार पूर्वक हमारे साथ अपने विचार साझा किए हैं वो वाकई प्रशंसा के योग्य हैं, हमारे द्वारा सम्मान के योग्य हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर शिवानी शर्मा ने जितनी स्पष्टता से अपनी सारी बात रखी है वेस्ट की ट्रेडिशन की, वो नितांत प्रशंसनीय है, और मुझे खुद को बड़ी स्पष्टता हुई है उससे, तो मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और कुल मिलाकर के सभी के प्रति अपने आभार को व्यक्त करते हुए कल फिर हम मिलेंगे। कल का जो सेमिनार है वो इंडियन साइकोलॉजी पर है, वो दो भागों में रहेगा, और एक ही उसमें वक्ता रहेंगे कि ये जो भारतीय मनोविज्ञान है इसको कैसे परिभाषित किया जाए। हम सभी लोग मनों की बात करते हैं, चित्त की बात करते हैं, लेकिन पता कुछ नहीं लगता, और मानवीय व्यवहार की बातें करते हैं, तो उस सारे विषय को जानने समझने के लिए कल पुनः 10 बजे हम एकत्रित होंगे, और जिन लोगों की रुचि हो वो कृपया उसमें जुड़ें। इसी सब शब्दों के साथ आप सभी के प्रति आभार, धन्यवाद, और अब आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, लेकिन अपना लिंक भर के, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू सर।